सौरव, चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन जल्दी से है ना स्टार्ट करते हैं आप लोग एक बार ना शेयर भी मार दो एक बार शेयर मार दो बहुत लोग आ जाए बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने मिले ठीक है कल के सेशन में हमने जो क्वेश्चंस किया था आपको याद होगा यूनिट कन्वर्जन पे किया था फिर उसके बाद एवरेज स्पीड पे किया था एवरेज स्पीड पे दो केस देखा था इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस वो किया हमने और उसके बाद हम जब आगे बढ़े तो हमने क्या किया अर्ली एंड लेट केस पे हमने क्वेश्चन किया ठीक है थोड़ा सा रिविजन मोड पर रहते हैं और देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन एकदम फटाक से ना जो लोग नहीं देखे होंगे नहीं अटेंड कर पाए होंगे कुछ कारण से सेशन वो कर पाए है ना ये देखो ट्रेन का स्पीड दिया है 45 किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना क्या किए थे देखो 45 5. है ना? 5 18 करेंगे, और वैल्यू आपको किस में मिल जाएगी भाई किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में मिल जाएगी और नाइन से डिवाइड कर दो नाइन फाइव नाइन टू जय ट्व पॉइंट फाइव मीटर पर सेकंड आपको आंसर मिल गया था जिसको लग रहा है ना थोड़ा स्पीड ज्यादा है वो कल का वीडियो देख ले भाई है ना कल का वीडियो देख ले थोड़ा सा हम लोग क्या है कल बेसिक से चले थे लेकिन आज क्या रिपीट नहीं करेंगे ना हम चीजों को रिपीट नहीं करेंगे गुड आफ्टरनून जो जोहिता रवि सबको गुड आफ्टरनून दीपक हेलो ओके दुर्गा थैंक्स ऑलॉट आपको अच्छा लगता है सेशन बहुत अच्छा लगा देख के हमको ठीक है अभी देखिए सेकेंड क्वेश्चन पे एकदम जल्दी जल्दी ना रिपीट नहीं कर रहे हैं बस एक बार क्या है कि चीजों को रिवाइज कर रहे हैं देखो यहां पे आप देख सकते हो कि 50 सेकंड्स में 500 मीटर ट्रैवल कर रहा है ये कार कार का स्पीड मीटर पर सेकंड में क्या आएगा स्पीड 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड आया और आपको क्या बताना है कि स्पीड बता दो किलोमीटर पर आवर में क्या होगी मैं दो तरीके बताता हूं पहला तरीका क्या बताया भाई अठारह और पांच और अठारह कैसे आया हजार छत्तीस सौ वाली बात किलोमीटर को मीटर में करना आ, आर को सेकंड में करना वहां से आता है तो यहां पे देखिए ये छोटे यूनिट यूनिट से बड़े की ओर जा रहे तो 18 को ऊपर रखो फाइव को नीचे रखो कैंसिल करो फाइव वन जो फाइव फाइव टू जो टेन और ये मीटर पर सेकंड तो कन्वर्ट हो गया ना यही तो हम किए किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिए तो किलोमीटर पर आवर में क्या वैल्यू आएगी देखो आप थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आर आर मैं आपको इसका एक और तरीका बताता हूँ और जो मुझे तो बहुत पसंद है आपको भी आएगा मैं हमेशा दिमाग में रखता हूं कि भाई 5 मीटर पर सेकंड अगर स्पीड है ना मीटर पर सेकंड में तो वो किलोमीटर पर आवर में 18 किलोमीटर पर आवर होता है ये हमेशा मेरे माइंड में रहता है और मैं अगर मुझे पता है भाई 5 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर तो 5 अगर 10 बन जाए टू जा हो जाए तो इधर भी टू जा जाए हो जाएगा एटीन टू जाए थर्टी सिक्स वर्बली आंसर आ गया भाई थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर देखो इसको मैं जब टेन बनाता हूँ तो इंटू टू यहां करता हूं वैसे इंटू टू यहां कर दूंगा आंसर आ गया थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर बस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी में ना कल कर चुके हैं सब क्वेश्चन ओके ओके थैंक्स मनीष थैंक्स ऑलॉट जुबे सारी चीजें क्या एकदम मतलब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए सारी चीजें टाइम पे मिलेगी आपको बिल्कुल मिलेगी युगांशी आप किसी बुक के बारे में पूछ रहे हैं बिल्कुल युगांशी मैं देखो सच बता रहा हूं आप हमें फॉलो करो एफ्टी ट्रिनिटी को फॉलो करो हम लोग जितना कुछ कर रहे हैं ना यार मतलब मोर देन है है 15 आउट ऑफ जो ना वो एकदम डन है डन है एकदम मतलब हम लोग इतने मतलब कि अपना पूरा दे रहे हैं यार पूरा डेडिकेशन है पूरा एकदम हंड्रेड परसेंट दे रहे हैं है ना गुरुपाल सर इतना मतलब अच्छे से फ्रेम कर रहे हैं चीजों को क्या कब करना एग्जैक्टली exactly वही कर रहे हैं है हम ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से अभी देखो ये क्वेश्चन था मैं एवरेज स्पीड का कंसेप्ट बताने वाला हूं बता चुका कल थोड़ा सा अभी भी सुन लो एवरेज स्पीड निकालना है ना मैंने दो फॉर्मूला बताया पहला फॉर्मूला ये होता है जब हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं जब अनइक्वल डिस्टेंस हो डिस्टेंस दिया हो और अनइक्वल हो तो हम फार्मूला यूज करते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन ठीक है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन ठीक है अन इक्वल डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला और कहे तो हर क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं लेकिन इक्वल के लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक भी होता है कहने का मतलब है दो स्पीड कल का क्लास अटेंड किया ना नहीं किया तो प्लीज कल का क्लास देख लेना है ना अगर दो स्पीड है दो स्पीड है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं क्या दो स्पीड के लिए टू एस वन एस टू अपॉन में थ्री एस वन एस टू एस थ्री अपॉन में एस वन एस टू देखो ना कुछ भी नहीं यार अपॉन वन टू एक बार इंटू हो रहा है टू थ्री को एक बार इंटू कर दो और थ्री वन को एक बार इंटू कर दो हो गया मामला सेट ठीक है तीन यहां पे अलग अलग स्पीड और डिस्टेंस नहीं दिया गया कहा गया कि इक्वल है तब ये शॉर्ट ट्रिक ठीक है और अगर यहां पे अनइक्वल डिस्टेंस है तो ये बड़ा वाला ठीक है अभी ये क्वेश्चन देख लो जल्दी से यहां मैं चाहूं तो इक्वल डिस्टेंस ले सकता हूं क्यों क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हर डिस्टेंस 100 किलोमीटर है लेकिन मैं यहां पर वो एवरेज स्पीड का जो बेसिक वाला फॉर्मूला होता है ना टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम ठीक उस पर जा रहा हूं देखो उसपे जाने का फायदा क्या है ये भी देख लो हंड्रेड uh, और यहाँ पे आप देखो कितना स्पीड है कितने बार स्पीड यहाँ पे है? एक बार दो बार तीन बार uh, तीन बार है क्या नहीं चार बार चार बार दैट मींस कि चार बार डिस्टेंस कवर होगा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा फोर हंड्रेड किलोमीटर अब टोटल टाइम टेकन पे आते हैं आई हंड्रेड किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हंड्रेड किलोमीटर कवर होना मतलब कि वन आवर नेक्स्ट टाइम टू हंड्रेड किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हंड्रेड कवर होना मतलब कि हाफ आवर ठीक है नेक्स्ट टाइम 300 की स्पीड से जा रहेगा वन अपॉइंट थ्री आर और 400 की स्पीड से वन अपॉइंट फोर इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेंगे 12 आएगा है ना उसको ऐसे पलट देंगे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4800 हो जाएगा ठीक है जल्दी में इसलिए क्योंकि ये चीज हमने कल भी किया है बिल्कुल किया है जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए अभी एलसीएम लिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आप ट्वेल्व को डिवाइड करोगे वन से तो ट्वेल्व ही आएगी तो यार ट्वेल्व आर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा ये कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा और ये थ्री हो जाएगा एडअप करोगे तो यहां पे आर में बातें हो रही है तो ट्वेल्व सिक्स एटीन फोर ट्वेंटी टू थ्री ट्वेंटी फाइव तो फोर्टी एट हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आएगा सॉल्व कर लो कल मैंने एक और बात बताई थी कि ट्वेंटी फाइव से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में या तो जीरो जीरो हो या तो टू फाइव हो या तो सेवन फाइव हो इसके लास्ट में जीरो जीरो या तो होगा और आंसर कितना आ जाएगा वन नाइनटी टू किलोमीटर पर आवर चलो ये क्वेश्चन भी हो गया जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर देख लें देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ओके दुष्यंत ओके ऑल राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जल्दी से है ना कमेंट भी लेते रहेंगे साथ में क्वेश्चन भी देखना है ना अभी ये क्वेश्चन था ठीक है ये क्वेश्चन देख लो बढ़िया क्वेश्चन है इसमें क्या कहा जा रहा है कि भाई जो डिस्टेंस है एट किलोमीटर है ना एक कार कारवेल कर रहा है वो क्वार्टर एन आर आर के एक क्वार्टर यानी कि वन बाई फोर्थ जो है पार्ट में ठीक है आर को देखो ना ऐसे इस सर्कल को ऐसे इस सर्कल को वन आर समझ लो ठीक है ये वन आर का सर्कल है और ये वन क्वार्टर ये सेकंड क्वार्टर ये थर्ड और ये फोर्थ हो गया ठीक है और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है ये फर्स्ट क्वार्टर की बात की गई है दैट मीन्स कि ये और इसके बाद क्या ये सेकेंड क्वार्टर की बात की गई है दैट मीन्स की ये ठीक है इसके बाद क्या थर्ड क्वार्टर की बात की गई है दैट मींस की ये है ना ठीक है मतलब ये वन आर होता है फोर क्वार्टर वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाई फोर यानी कि थ्री बाई फोर आर हो गया भाई पूरा वन आवर नहीं है ये वन आवर से कम है इतना टोटल टाइम आ गया ठीक है टोटल टाइम आ गया अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है ध्यान से आप लोग सभी देखना एट किलोमीटर प्लस सिक्स फोर्टीन और फोर्टीन और सिक्स थर्टी तो ये थर्टी किलोमीटर और आर में थ्री बाई फोर फोर जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ऐसा हो जाएगा कुछ तो आंसर क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा फोर्टी किलोमीटर पर आवर क्लियर है ना थोड़ा जल्दी हो रहा होगा मैं मानता हूं क्लियर है लेकिन ओके मुकेश ऑल राइट आप लोगों को पसंद आ रहा है ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कोर्स दीपक अगर अगर आप मेरे सारे लेक्चर को मेरे एप्टिटिनिटी के सारे लेक्चर को अगर आप फॉलो कर रहे हो कह रहे ना मतलब ऐसा है ना भाई कि सॉलिड्स के बीच में ना स्पेस नहीं होता पता ना लिक्विड के बीच में आ, उसके बीच में स्पेस होता है तो सॉलिड के बीच में स्पेस नहीं होता और हम लोग कोई स्पेस छोड़ेंगे नहीं ठीक एक है एकदम सॉलिड बातें करेंगे सॉलिड चीजें करेंगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी देखो ये क्वेश्चन है बढ़िया सा क्वेश्चन है यहां पे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था ना थोड़ी बातें कर ले हम एरर था हाफ ऑफ द रिमेनिंग बाई रिमाइंडर नहीं है ये रिमेनिंग है ना हाफ ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द ठीक है ठीक है मैं समझा देता हूं क्वेश्चन इसमें यह कहा जा रहा है कि अ टूरिस्ट कवर्स हाफ ऑफ हिस जर्नी बाय ट्रेन एट 60 किलोमीटर पर आवर ठीक है यहां पे देख लो ना ये डिस्टेंस है यहां हाफ जो है हाफ कवर किया गया और स्पीड क्या थी 60 किलोमीटर पर आवर ठीक है यहां तक और इसके बाद ध्यान से देखना आप लोग थोड़ा सा स्टेटमेंट में एरर है लेकिन आप लोग समझ जाओगे और यहां पे इतना हाफ ठीक है इस हाफ के बाद ये जो रिमेनिंग उसका हाफ है ना ये हाफ और ये हाफ जो है कवर किया किया गया थर्टी किलोमीटर पर आर ठीक है और इसके बाद एकदम ध्यान से ना ये हाफ टेन किलोमीटर पर आर अब दुविधा यह है कि हमें डिस्टेंस भी नहीं पता और डिस्टेंस इक्वल भी नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक लगाए कॉमन सेंस LCM ले लो डिस्टेंस मान लो देखो कैसे 60, 60 30, 10 है ना, अलग स्पीड है, ना, अलग-अलग किलोमीटर पर आवर और इसके बाद टेलीग्राम का लिंक शेयर हो रहा है अगर आपको कोई डाउट हो तो उसमें अपने क्वेश्चंस को पुट कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए बिल्कुल जल्दी से अभी ये देखो अगला स्पीड क्या है टेन किलोमीटर पर आवर अभी डिस्टेंस एलसीएम मान लिया तो क्या होगा सिक्सटी थर्टी टेन का एलसीएम सिक्सटी होगा अरे एलसीएम मतलब क्या भाई एलसीएम मतलब भाई कोई भी ऐसा मल्टीपल मान लो ना आसान पड़ेगा हमारे लिए इसीलिए अभी यहां पे देखो टोटल डिस्टेंस सिक्सटी मान लिया तो ये डिस्टेंस कितना हो गया हाफ है तो थर्टी किलोमीटर हो गया ये डिस्टेंस कितना हो गया भाई अब बचा अच्छा थर्टी है तो ये फिफ्टीन और ये 15 हो गया ठीक है अब हमको क्या करना है टोटल डिस्टेंस हमें सिक्सटी मिल गया है और टोटल टाइम टेकन निकालना यहाँ पे देखो भाई थर्टी किलोमीटर को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करोगे तो आधा ही घंटा लगेगा ना तो ये हाफ आवर हो गया ठीक है और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो है ना उसमें भी हाफ आवर और नेक्स्ट में देखोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा देखो आ 15 है और टेन है 3 बाई टू आर लगेगा अभी इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा आप लोग अपने से कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमने कल भी डिस्कस किया है तो आज नए क्वेश्चन के साथ आएंगे ना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं चलो ये क्वेश्चन भी देख लो जल्दी से इसमें देखो इक्वल डिस्टेंस है रीजन क्या है भाई डिस्टेंस बोला दिल्ली से नोएडा दिल्ली टू नोएडा तो ये दिल्ली और ये रहा नोएडा ठीक है और दिल्ली से नोएडा जाने के लिए दिल्ली से नोएडा जाने के लिए तुषार निकलता है और तुषार का स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर थर्टी किलोमीटर पर आवर और तुषार वापस आता है तो उसका स्पीड क्या है उसका स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर जब इक्वल डिस्टेंस है तो भाई टेंशन का एक को फॉर्मूला टू एस वन एस टू यानी कि टू थर्टी इंटू सेवेंटी एस वन एस टू अपॉन एस वन प्लस एस टू यानी कि थर्टी प्लस सेवेंटी हंड्रेड ठीक है इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगी जीरो जीरो ठीक पर आवर आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा अब यही आंसर है क्लियर है क्या कोई डाउट है तो चैट बॉक्स ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से ऑल राइट right, प्रतीक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हार्मोनिक मीन से भी निकाला जा सकता है लेकिन भाई हम लोग सिंपल बातें करेंगे सिंपल सिंपल एकदम एप्टीट्यूड क्या गेट का एग्जाम देते हो और एप्टीट्यूड होते हो जनरल एप्टीट्यूड से तो एग्जाम का फुल फॉर्म चालू होता है तो एप्टीट्यूड एकदम सिंपल रखेंगे है ना टेंशन नहीं एकदम सिंपल चलिए सबका जवाब आ गया था नेक्स्ट क्वेश्चन आते में आते हैं और देखते हैं कल हमने क्या डील किया था हां ये वाला देखो इस क्वेश्चन में भी देख लो इसमें भी कोई जान नहीं है सिटी ए से बी की ओर क्या ट्रैवल कर रहा है ए से बी की ओर देखो ध्यान से है ना ऑटोमोबाइल ट्रैवल्स फ्रॉम सिटी ए टू बी रिटर्न ए बाई सेम रूट मतलब कि इक्वल डिस्टेंस हो गया इक्वल डिस्टेंस हो गया ना कोई डाउट नहीं इक्वल डिस्टेंस का क्वेश्चन है ऐसे गया और ऐसे आया इक्वल डिस्टेंस स्पीड बस अलग अलग है ठीक है एवरेज स्पीड निकालना है कुछ नहीं करना सेकेंडो का सवाल है 60 किलोमीटर पर आर 90 किलोमीटर पर आर ठीक है 2 इंटू सिक्स इंटू नाइंटी और अपॉन में 60 प्लस नाइन्टी वन और ये वैल्यू क्या आ गई कैंसिल कर लेते हैं 30 से डिवाइड करते हैं टू ज़ा, थर्टी फाइव ठीक है फाइव वन झा फाइव एटीन फाइवी वैल्यू क्या क्या बची हुई है ध्यान से टू इंटू टू फोर फोर इंटू एटीन सेवनटी टू का आंसर हो गया सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर क्लियर क्लियर है सबको सबको क्लियर है चलिए बहुत सही बहुत सही बहुत बढ़िया अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये भी क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से कल हमने देखा ये सब क्वेश्चन बढ़िया वाला क्वेश्चन आया भाई अर्ली लेट केस डिटेल में अगर समझना है तो कल का वीडियो देख लीजिएगा आपने देखा लास्ट क्वेश्चन देखा ना ये लास्ट क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन के बाद ये मैंने बताया था कल देख लीजिए कल के वीडियो में देख लीजिएगा ठीक है तो आज का जो वीडियो है हाँ, तो इसमें इसको तुरंत करेंगे अभी मैंने ये क्वेश्चन जो कल बताया था वो डिटेल में बताया था अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगा इसको कहते हैं अर्ली एंड लेट केस है ना या फिर time difference case भी कह सकते हैं और ये कभी इसके पीछे का कारण क्या है ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है इसको समझ लो इसमें एक व्यक्ति होता है जो अपने होम से अपने घर से निकलता है किसकी ओर ऑफिस की ओर कहने का मतलब यह है कि एक प्लेस से वो अपने डेस्टिनेशन की ओर निकलता है और रेगुलरली उसका निकलने का होता है तो ये कभी क्या है कि जो है अर्ली पहुंच जाता है जितना भी टाइम है उससे पहले पहुंच जाता है और कभी क्या हो जाता है लेट हो जाता है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है आपसे सवाल साफ सुथरे तौर पर यह पूछा जाता है कि ये बता दो डिस्टेंस कितना है होम से लेकर ऑफिस तक ठीक है चाहे तो ये पूछ सकता है कि क्या यूजुअल स्पीड था जिसमें वो लेट नहीं होता था है ना क्या यूजल टाइम था जो कि वो उस टाइम पे पहुंचता था आराम से देखो आप आपके पास सिंपल सफर डिस्टेंस निकालना है आपको पता है क्या एस डी टी अब एस डी टी क्या होता है एस डी टी स्पीड इज इक्वल टू डि डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है तो यहां पे देखो दो अलग अलग स्पीड एवरेज स्पीड के कंसेप्ट को लाएंगे ठीक है और एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आएगा तो ये एस ना होके एवरेज स्पीड हो जाएगा तो यहां पे डिस्टेंस निकालना है ठीक है डिस्टेंस निकालना है तो एवरेज स्पीड का दो अलग अलग स्पीड के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया टू एस वन एस टू अपॉन एस वन प्लस एस टू लेकिन वो स्पीड इस इसलिए था जब हम टोटल डिस्टेंस कवर करते थे लेकिन यहां पे हम होम से ऑफिस का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ऑफिस से होम रिटर्न का डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे इसलिए टू नहीं आएगा स्टार्टिंग में और ये हो जाएगा S1 S2. ठीक है अब देखो ध्यान से पिछली दफा हम एस वन प्लस एस टू डिनोमिनेटर में करते थे यहां पर कतई नहीं करेंगे जब अर्ली और लेट का केस होगा बिल्कुल नहीं करेंगे हम क्या करेंगे जो स्पीड ज्यादा है उससे कम स्पीड को घटा देंगे फॉर्मूला देखते जाओ बस ठीक है और यहां पे हम इसका मल्टीपल देखो ये एवरेज स्पीड का आ गया ये आ गया ठीक है इसके साथ हम क्या करेंगे दो टाइम दिया जाता है ठीक है एक बार अर्ली हो जाता है एक बार लेट हो जाता है लेट हो जाता है तो टी प्लस फाइव कितने से लेट? फाइव, फाइव है ना दोनों टी प्लस फाइव और जब लेट हो जाता है देखो माइनस कर रहे हैं यहां माइनस इसलिए तो किया क्योंकि हम टाइम भी माइनस करेंगे जो यहां पे प्लस का केस बनाएंगे तो वहां प्लस करेंगे या माइनस का बनाएंगे तो माइनस करेंगे बस समझ लो टी प्लस फाइव माइनस और यहां पे देख लो टी माइनस फाइव तो क्या होगा ब्रैकेट ओपन होगा तो टी टी कैंसिल हो जाएगा माइनस है देख लो आप लोग ब्रैकेट है ना और ये माइनस क्या बन जाएगा जब मैं ब्रैकेट रिमूव करता हूं यहां से अब ध्यान से देखना जब ब्रैकेट रिमूव करता हूं तो यहां प्लस हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो गया और ये फाइव फाइव क्या हो गया टेन हो गया और एक बात और ध्यान से सुनना कि जो अर्ली लेट होता है ना ये आर में नहीं होता हमेशा हमेशा मिनट में ही होता है और ये मिनट पे होता है ना इसलिए क्या करते हैं पता है मिनट में होता है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में होता है इसीलिए बैलेंस करने के लिए हम इसको आर में कन्वर्ट करते हैं और मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए सिक्सटी से डिवाइड करते हैं ठीक है अब ये देखो क्या हुआ ये किलोमीटर पर आर हो गया ये आर हो गया है ना पर आवर आर और आर कैंसिल गया किलोमीटर में आंसर दे देगा ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे फाइव प्लस फाइव टेन तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू क्या टेन आ जाएगा ठीक है अब एस वन एस टू की वैल्यू दे देते हैं एस वन एस टू की वैल्यू देना इसका मतलब है जिसका स्पीड ज्यादा है उसकी वैल्यू पहले लिख लो कुछ भी नहीं है ऐसा देखो यानी कि थर्टी और ट्वेंटी थर्टी इंटू ट्वेंटी कर लिए और माइनस किए तो टेन हुआ देखो टेन से टेन कैंसिल हो गया और ट्वेंटी थ्री जा सिक्सटी हो गया थ्री वन जा थ्री थ्री टेन जा थर्टी हो गया आंसर क्या आ गया टेन किलोमीटर ठीक है क्लियर है क्लियर है आप लोग सभी को ओके okay, दीक्षा आ क्या कह रहे हैं थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा अरे मतलब चैट को स्क्रॉल कर अच्छा रहने दो ओके जयसवाल जी का कहना है कि सर आपके टोटल कितने क्लास जयसवाल जी ई एस का क्रैश कोर्स लेके आए ना तो ये आई थिंक पहला हम लोग टाइम एंड वर्क किए थे और इसके बाद जो लास्ट क्लास थी ना वो बीच में जिसको हम लोग को रोकना पड़ा था Uh, कुछ रीजन है तो इसको ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी आप कंटिन्यू रहिए हर एक टॉपिक कराएंगे हर एक टॉपिक का शेड्यूल गजेंद्र गुड आफ्टरनून गजेंद्र बने रहिएगा प्रिज्म पिरामिड भी कराएंगे एकदम आप सेशन में रहिए सारी चीजें कराएंगे जो आपने मांगा था वो भी मिलेगा ऋतुजा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए है ना आपको क्वेश्चंस भी मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में सोल्यूशन आप चाहेंगे सोल्यूशन में मिलेगा थोड़ा समय लगेगा लेकिन मिलेगा। आप तो कर सकते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे तो हर चीज हो जाएगा अभी देखो ना अगर आपका माइंड डेवलप है तो आप समझ सकते हो माइनस ही तो होता है और टेन मिनट अपॉन सिक्सटी तो वन बाई लिख लेता हूं मैं और यहाँ पे डायरेक्ट की बात कर रहा हूं शुभम है ना वन बाई सिक्स ले लेता हूं और यहां पे टाइम ये थर्टी ट्वेंटी है ये सिक्स हंड्रेड हो जाएगा मल्टीप्लाई करके और इसका डिफरेंस टेन हो जाएगा ठीक है ये लो आंसर आ गया डायरेक्ट आ गया टेन सेकेंड में हो गया प्रैक्टिस से तो होगा देखो अगर आप किसी भी किसी भी शॉर्ट ट्रिक को सीखना चाहते हो शॉर्ट ट्रिक सिखाने के लिए तो यहां पे है लेकिन डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पे जाऊंगा तो 90 प्रतिशत जो स्टूडेंट है ना उनको डाउट होगा कि ये कैसे आया तो पहले बेस जो है हमारा मजबूत होते जाए भाई इतना लंबा सेशन है इतना लंबा सेशन है पूरा साल बचा हुआ है है ना अगर रेगुलरली आ रहे हैं हर दिन यूट्यूब पे तो हर दिन ऐसा तो नहीं है एक ही कंसेप्ट चलते जाएंगे कुछ ना कुछ नया तो हर दिन मिलेगा ना चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से क्या ये कल का ही सवाल है या फिर आज का सवाल आने वाला है कोई मैं टाइमर दूंगा ना आज का सवाल आएगा तो ओके आज का सवाल आ गया लगता है चलिए टाइमर पहले दे देते हैं कंसेप्ट बाद में सब दे दीजिए टाइमर दो मिनट का टाइमर ले लीजिए एक बार आप लोग ट्राई कीजिए सभी लोग है ना तो मैं तुरंत समझा दूंगा नहीं होगा तो बताना यार एकदम बता देना कि चैट बॉक्स में समझ नहीं आया गजेंद्र आपका सवाल लेता हूँ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन थैंक्स दीक्षा चलिए देखेंगे ना डाउट है सबका डाउट है वो वाला भी देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है चलिए आंसर्स आ रहे हैं बहुत बढ़िया सभी के आंसर्स आ रहे हैं अच्छा लग रहा है देख के और देखो दो मिनट का समय दिया था मैंने आप लोग सभी ने आंसर निकाला और मैं आपको अभी जो सिखाऊंगा ना आप मुझे चैट बॉक्स में बताना कि सर आप जो कंसेप्ट सिखाए हो ना वो कंसेप्ट से कोई थर्टी सेकंड में आंसर निकाल ही नहीं सकता एकदम बेकार कंसेप्ट बताए आप अब लिखना ये बात ठीक है अगर लिख पाओ तो लिखना है ना अभी बताता हूं मैं बिल्कुल जयसवाल जी सारा एपटी कवर होगा अच्छे से होगा भाई एडवांस लेवल मेरे को फिफ्टीन आउट ऑफ फिफ्टीन चाहिए और वो दिलाना है अपने अपने कंसेप्ट बता रहे गजेंद्र ने अपना कंसेप्ट बताया बिल्कुल ठीक है चलिए टाइम ओवर हो गया ना चलिए जो मैं कहता हूं उसको एक बार सुन लेना है उसके बाद करेंगे बस एक बेसिक सा बात है एकदम बेसिक वाला बात भाई मैं अपने होम से स्टूडियो आता हूँ ठीक है और मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता हूँ तो मैं कितने देर में पहुँच जाता हूँ वन आवर में कभी कभी मैं कभी कभी मैं 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आता हूँ तो मैं पहुँच जाता हूँ फोर्टी मिनट्स में और कभी कभी मैं यहाँ से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता हूँ तो

स्पीड बता के टाइम पूछेगा जब जब स्पीड बताएगा टाइम पूछेगा जब जब टाइम बताएगा स्पीड पूछेगा ये बात ठीक है अभी देखो एक और बेसिक बात जब लिखा है मतलब कि जो उसका स्पीड था जो स्पीड था दैट मीन की डिनोमिनेटर वाला यूजल था यह स्पीड था लेकिन न्यू स्पीड क्या हो गया ये हो गया ठीक है यानी कम हो गया ना भाई ऐसा लिखना ही क्यों ऊपर अगर मैं कहता कि हाफ ऑफ स्पीड यानी कि अगर वो 50 में था तो 25 हो गया जितना था 2 था तो 1 हो गया है ना ये सेंटेंस समझ गए ना है ना ये यूजुअल ये न्यू अभी आगे देखो आगे की कहानी आप लोग देखो यहाँ पे क्या है यूजुअल और न्यू की बात है। यहां पर लिखा मैंने यू फॉर यूजल और एन फॉर न्यू पूरा लिख लेता हूँ ना यूजल और न्यू ठीक है स्पीड बताया ना स्पीड और इसके बाद यहां पे टाइम ठीक है जल्दी से ये बॉक्स तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं ना ये एक बार समझ जाओगे इसके बाद नीट थोड़ी है ठीक है थोड़ा सा ऊपर से ले लेते हैं ठीक है अभी देखो ध्यान से ये सब आपके मन में हो रही है चीजें है ना ये एग्जाम में थोड़ी करना अभी देखो यूजल सेवन न्यू फाइव ठीक है टाइम और स्पीड में इनवर्स रिलेशन होता है ठीक है इसका मतलब ये है कि ये सेवन स्पीड है इसका और इसका स्पीड फाइव है तो इसका टाइम फाइव हो जाएगा और इसका टाइम सेवन हो जाएगा कहानी खत्म हो रहा है ध्यान से आप देखो ध्यान से आपको देखना है और यहां से ये समझना है अभी ये बताओ यूजुअल न्यू में टाइम डिफरेंस कितना usual, new, है यूजुअल न्यू में टाइम डिफरेंस टू है ठीक है और क्वेश्चन में कितना दिया 16 मिनट्स दिया 16 मिनट्स दिया यानी टू इज इक्वल टू सिक्स टू एट मिनट कि अगर यहां पे time निकालना है तो यहां पे एट का मल्टीप्लाई कर दो फोर्टी मिनट्स हो गया अगर न्यू कहता तो यहां पे एट का मल्टीप्लाई करते दे फिफ्टी सिक्स मिनट हो जाता ठीक है क्लियर है क्या किए एक बार रिप्ले देखोगे देखो एस टी है ना यूजल न्यू स्पीड सेवन फाइव ये फाइव सेवन डिफरेंस टू लेकिन क्वेश्चन में दिया सिक्सटीन वन इज इक्वल टू एट मिनट है ना अब यूजल वाले नंबर पे रेशियो फॉर्म में ना मल्टीप्लाई कर दो फोर्टी मिनट आंसर खत्म कैसा है कैसा है जल्दी से बता दो कैसा है ऑल राइट राहुल आप लोग जुड़े रहिए मैं हमेशा है ना गेट अकेडमी टू पॉइंट टू हमेशा हेल्प करने के लिए है ना जुड़े रहिए आप लोग बस ठीक है खत्म एकदम निशान खत्म एकदम खत्म ठीक है ऐसे है ना तो आ अभी मुझसे सवाल किया गया था भाई सवाल यहां रखा गया तो जवाब तो मिलेगा सवाल गजेंद्र ने किया था अभी देखते हैं गजेंद्र का सवाल था कि सर अर्ली अर्ली और लेट लेट का केस हो जाए तो क्या होगा देखो गजेंद्र अर्ली अर्ली का केस है ना होम ऑफिस फर्स्ट सिचुएशन ठीक है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ठीक है यूजुअल टाइम से यूजुअल टाइम से यूजुअल टाइम अगर टी है तो उससे मान लो कि भाई 10 मिनट माना है भाई थोड़ी सी एरर हो सकती है मान रहा हूं मैं

ठीक है ऊपर वाला सिचुएशन मल्टीप्लाई होगा लेकिन इस केस में भी आप माइनस ही करो कारण क्या है भाई हमको यहां से टी को रिमूव करना होता है दिखता नहीं है शॉर्ट ट्रिक नोटबुक में लेकिन देखो लेकिन ये चीज फैक्ट है ना टी को रिमूव करना है टी को रिमूव करना है यानी टी माइनस टेन से टी माइनस टेन को आप यहां माइनस करोगे देखो डिफरेंस क्या आ जाएगा टी माइनस टेन और माइनस टी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिफ्टीन ठीक है टी टी कैंसिल हो जाएगा बचेगा फाइव अपॉन में सिक्सटी ठीक है और ये आंसर कितना हो जाएगा ये तो हटाओ इसको मैं जल्दी से हटा रहा हूँ ना देख रहे हो आप क्वेश्चन पूछे हो तो तो यहां पे हो जाएगा फाइव यहां पे हो गया फाइव ये सिक्सटी वन बाय ट्वेल्व है ना वन बाई ट्वेल्व हो गया ये ट्वेंटी फाइव थ्री जाए सेवेंटी फाइव ये वन फिफ्टी बाय ट्वेल्व वन फिफ्टी बाय ट्वेल्व करोगे तो ट्वेल्व ट्वेल्व जा वन फोर्टी फोर होता है और सिक्स सिक्सटी ट्वेल्व पॉइंट फाइव ये हो गया आपका डिस्टेंस क्लियर है क्लियर है क्या क्लियर है इतने सारे दिल के लिए शुक्रिया क्लियर है आप लोगों को गजेंद्र सवाल किए थे आप देखो अर्ली अर्ली लेट लेट में भी वही बात है ठीक है उड़ जाएगा सवाल अभी अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन चलो जल्दी से ना टाइमर लगा तुरंत टाइमर लग गया दो मिनट का लगा है लेकिन 10 10 सेकंड में आंसर आने चाहिए 10 10 सेकंड में 10 10 सेकंड में यूजल क्या होता है न्यू क्या होता है सब समझना है एकदम धो डालेंगे एफ को क्या है यार एफ क्या है हा? क्या है कुछ नहीं है लेकिन एफटी को ना मैं चाहता हूं एफटी के स्टाइल में पढ़े वो स्टाइल में नहीं यार एफ के स्टाइल में जल्दी से जल्दी से दस सेकेंड का आंसर है दस सेकंड का सिक्सटी मिनट निखिल का जवाब आ गया सिक्सटी मिनट वाह है ना, एकदम बढ़िया टाइसन का जवाब भी आ गया है जल्दी से जवाब देते जाइए आप लोग जल्दी 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 से कितने सेकंड्स हो गए एक मिनट हो गया क्या? चलो रोक दो फिर टाइमर बस 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 और ये जो सवाल है दस सेकंड में कैसे उड़ता है देखने के लिए स्क्रीन पे देखें ये देखो ये मैंने यहाँ पे बस कलर चेंज किया ग्रीन वाला मुझे पता है यूजुअल टाइम पूछा है मैं यहाँ पे मैंने जैसे बोला स्पीड बताएगा और टाइम पूछेगा है ना स्पीड टाइम यूजवल न्यू और क्या होता है हमेशा डिनोमिनेटर होता है यूजल ठीक है देखो ना भाई ट्वेल्व इलेवन बोल रहा मतलब जितना था उससे ज्यादा ठीक है ये न्यू अभी ध्यान से देखो थोड़ा सा कलर और चेंज ये वाला कलर लिया अब लिखेंगे यूजल क्या होगा इलेवन न्यू ट्वेल्व ठीक है रिवर्स किया ट्वेल्व इलेवन डिफरेंस वन इज इक्वल टू कितना आया फाइव मिनट्स ठीक है तो यहां पे इंटू फाइव सिक्सटी मिनट आंसर अगर पूछ लेता न्यू बताओ न्यू तो भी बता देते ठीक है क्लियर है क्लियर है जल्दी से बता दो क्लियर है क्या क्लियर है जल्दी से क्लियर है जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे ना जल्दी आप लोग लिख दो बस एक बार शेयर भी कर दो यार एक बार शेयर भी कर दो न्यू फिफ्टी फाइव मिनट्स वेल डन वेल डन वेल डन बिल्कुल ठीक है वेल डन न्यू पूछा तो वो हो जाएगा बढ़िया लग रहा है क्या बढ़िया लग रहा है ना एक बार शेयर कर दो बस एक बार शेयर कर दो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अनुराग ने कहा रिपीट कर दीजिएगा बिल्कुल अनुराग बिल्कुल रिपीट करेंगे देखो अनुराग आ, स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है तो हमेशा अनुराग 12 अपॉन 11 है ना स्पीड दिया है ना इसको हमेशा डिनोमिनेटर को यूजुअल मानो ऐसा क्यों जब हम कहते हैं कि हम जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं और हमारी स्पीड अचानक से ना हाफ हो गई तो यहाँ आप तो समझ जाओगे 25 फाइव किलोमीटर पर आवर हो गई लेकिन यहाँ पे ये यह हाफ का कंसेप्ट भी समझ जाओ ये हाफ में ये टू को अपन रिलेट करते हैं यूजुअल से और वन को न्यू से तो ये टू जो है रिलेट कर रहे हैं यूजुअल से टू यानी कि फिफ्टी से रिलेट किए ट्वेंटी टाइम्स ये भी ट्वेंटी टाइम्स है ना ये चीज़ बेसिक चीज़ है समझ गए होंगे आगे देखो है ना स्पीड और टाइम में इन्वर्स रिलेशन होता है ना ये समझ जाओ एकदम बढ़िया से कोई दिक्कत ही नहीं यूजुअल न्यू ठीक है यूजुअल इलेवन हुआ क्योंकि ये डिनोमीटर में यूजुअल होगा ट्वेल्व जो वो न्यू हुआ इनवर्स कर दिया उल्टा कर दिया इसको है ना अभी देखो हमने ये माना कि स्पीड इलेवन और ट्वेल्व है तो टाइम डिफरेंस वन आया लेकिन एक्चुअल में ऐसा थोड़ी ही है एक्चुअल में जो टाइम डिफरेंस है वो फाइव मिनट्स का है ना तो यहाँ पे फाइव मिनट्स लिख दो वन इज इक्वल टू फाइव है ना वन की वैल्यू को ऐड करो मल्टीप्लाई करोगे कहीं पे तो कोई क्या डिफरेंस आएगा नहीं आएगा ना तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिक्सटी मिनट हो जाएगा और यहाँ पे करोगे फिफ्टी फाइव मिनट्स हो जाएगा क्लियर है क्लियर है ना जल्दी से ठीक है जल्दी से जल्दी से चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दो मिनट का टाइमर लगेगा लेकिन अगर पांच दस सवाल आए तो टाइमर रुक जाएगा सभी देखिए सभी के लिए बराबर है सबको बराबर समझाया जा रहा है हमको क्या है मूव करना है फास्टली एकदम है ना तभी तो नए नए टॉपिक पे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्दी से बताइए दो मिनट का टाइमर है लगा दीजिए बिल्कुल अभिषेक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए आपको पीडीएफ मिल जाएगा चलिए जल्दी से जल्दी से क्या क्वेश्चन है अ ट्रेन रनिंग बिटवीन टू टाउन्स Arrives its destination 10 minutes late when it goes at 60 km per hour है ना? मतलब सिक्सटी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है ठीक तो है थीके? और टाइपिंग एर हुआ है अगला condition यह बोल रहा है कि when it goes at फोर्टी किलोमीटर per hour अच्छा यहाँ पे क्या दो स्पीड अच्छा ओके 60 पे दस मिनट का लेट हो रहा है और 40 पे सिक्सटी मिनट का लेट हो रहा है ये तो वही बात हो गई जो गजेंद्र ने पूछा था वही क्वेश्चन हो गया अर्ली अर्ली तो मैं समझा चुका था ये लेट वाला हो गया ठीक है चलिए बहुत बढ़िया देखिए क्या करे इसमें सोचिए क्या शॉर्टरी करे अपन कैसे एप्टीट्यूड को यहां पे सेकंड्स में सॉल्व करे सब चीज समझना है हम लोगों को ट्वेल्व किलोमीटर आंसर भी आने लगे क्या बताओ एक एक मिनट में ऐसे सवालों को आप लोग उड़ा रहे हो आप लोग उड़ा रहे हो है ना क्या मतलब आप कर रहे हो यार मैं थोड़ी कर रहा हूं आप कर रहे हो ओके निशांत कोई बात नहीं है ना जल्दी से जल्दी से जल्दी से आंसर आ रहा है ना बस आप लोग सभी ट्राई करो देखो कितने सेकंड्स बचे हैं 15 सेकंड्स जितेंद्र सार्थक ज्योति अनुराग ओके आंसर देते जाइए सिमरन आंसर दीजिए ओके निशांत कोई बात नहीं चलिए हम तो रेगुलर हैं उमेश हर दिन एक बढ़िया कंस, कंसेप्ट तो देते ही रहेंगे कंटेंट भी जबरदस्त लाएंगे चलिए बहुत सही आंसर आ गया ना सबका टाइमर रुक गया क्या चलिए अभी देखेंगे इतना लंबा क्वेश्चन जितना देर टाइप में लगेगा ना उससे पहले आप आंसर निकाल दोगे देखो कैसे एकदम शॉर्ट में बताता हूं भाई जब मैं देखा यहां पे ये लेट वाली बात बोला ठीक है यहां पे लेट वाली बात बोला गया है और मेरी नजर गई भाई 16 मिनट्स लेट पे और ये 10 मिनट्स लेट पे ठीक है? है ना और इसके बाद दोनों टाउन के बीच के डिस्टेंस पे देखिए अगर आप पूरा कंसेप्ट चाहते हो तो ये भाई एक टाउन है टाउन वन या टाउन ए समझ लीजिए और दूसरा है टाउन बी है ना ट्रेन चल रहा है ना टाउन ए से टाउन बी और एक बार क्या होता है कि किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जाता है तो टेन मिनट्स लेट हो जाता है और अगली दफा क्या हुआ अगली दफा जो ट्रेन है ना फोर्टी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो टेन मिनट लेट की जगह ना इस बार क्या हो गया सिक्सटीन मिनट लेट हो गया अब आपसे क्या पूछा डिस्टेंस पूछा कल का क्लास आज का क्लास आंसर दस सेकंड देखो यहाँ मैंने लिखा डिस्टेंस ठीक है और मैंने यहाँ पे स्पीड को मल्टीप्लाई किया सिक्सटी इन टू फोर्टी मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे कैंसिल करने के काम आएगा मत करो डिफरेंस निकाला ट्वेंटी ठीक है अब मैं इन दोनों के टाइम लेट वाले टाइम का डिफरेंस निकालूंगा वो कितना होगा ट्वेंटी लेकिन मेरा ध्यान हमेशा इस बात पे रहना चाहिए कि मिनट में लेट होता है तो मैं यहाँ से 60 अपॉन में कर दूंगा ठीक है मैं 20 से 20 को कैंसिल किया 60 से 60 को कैंसिल किया और 10 सेकंड में बता दिया कि 40 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा क्लियर है क्या जल्दी से बता दो क्लियर है क्लियर है जल्दी से जल्दी से वेरी गुड वेरी गुड माही वेरी गुड क्लियर है जल्दी से क्लियर है ना तो फिर अब जल्दी से सबको क्लियर है एक बार क्लियर लिखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्लियर है ना किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं ओके मिनट्स नहीं है देखो वेल वेल डन डन यही तो बात है ना टेन टेन मिनट थोड़ी है जो ट्वेंटी होगा बात तो सही है ये देख लो ठीक है ठीक है फिर से देखो डिस्टेंस टेन मिनट लेट थोड़ी है अच्छा सिक्सटी इंटू फोर्टी डिफरेंस किया ट्वेंटी और टेन और सिक्सटीन है यानी कि टेन और सिक्सटीन है यानी कि ट्वेंटी सिक्स बाई वेरी गुड ठीक है ऐसे कटा है ना ट्वेंटी सिक्स ही तो होगा ना सिक्सटीन है और टेन है ना टेन है ना ठीक है तो इसका मतलब क्या है ये t प्लस टेन और माइनस में t माइनस सिक्सटीन ओके 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 ठीक है माइनस करोगे तो सिक्स आएगा चलो फिर से देख लेते हैं कोई बात नहीं मुझे लगा कि टेन मिनट्स लेट है दोनों केसेस में तो इसीलिए मैंने वैल्यू पुट कर दिया था लेकिन फिर से देख लेते चलो देखो ध्यान से डिस्टेंस निकालना है और ये रहा कि 16 टू फोर्टी हमने यहां पे ये कर दिया दोनों का डिफरेंस 20 लिख दिया और हमें पता है कि पहले केस में पहले केस में 16 मिनट का लेट हुआ ठीक है ज्यादा 16 है ना तो t प्लस सिक्सटीन लिख दो और माइनस में t प्लस टेन लिख दो ठीक है अभी देखो T से टी T कैंसिल हुआ सिक्सटीन से टेन कैंसिल हुआ तो सिक्स हो गया सिक्स हो गया ना तो सिक्सटी इंटू फोर्टी अपॉन में ट्वेंटी और ये सिक्स और अपॉन में 60. तो 60 से कैंसिल 60 हो गया 21 20, 22 जो 40, और आप जिनका आंसर आया ट्वेल्व किलोमीटर वो बिल्कुल सही है मुझे लगा था टेनो टेन, टेन मिनट्स लेट है दोनों केस में कोई बात नहीं यार मैं क्या आया सोचा कि टेन मिनट का है दोनों केस में ठीक है ट्वेल्व किलोमीटर हो गया जल्दी से जल्दी से सही है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है टाइमर लगा है आराम से पढ़ो टाइमर लगा दीजिए जल्दी से भाई मतलब वो लेट अर्ली केस हो गया ना अभी ये वाला केस देखेंगे इसमें क्या कह रहा है ये तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है

थ्री बाई फोर हो गया इस कारण से क्या हुआ वो लेट हो गया तो आपको क्या बताना है कि ओरिजिनल स्पीड कितना था क्वेश्चन बहुत बढ़िया है क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जल्दी से जल्दी से देख लो दो मिनट में देखते हैं कौन आंसर निकाल पाएगा दो मिनट में मैं इसका कंसर्ट पूरा बताऊंगा और आप लोग अगर थोड़ा भी डाउट ना तो पूछ सकते हैं ठीक है जल्दी से एक बार आप लोग शेयर भी कर लीजिएगा जल्दी से शेयर भी कर लीजिएगा देखिए क्या है सोचिए इसके बारे में क्वेश्चन के बारे में सोचिए ऋत्विक बहुत बढ़िया ऐसे ही सेशन अटेंड करना है सारे सेशन अटेंड करना है ऐसे ही जल्दी से टेन सेकेंड्स है पूरा प्रयास कीजिए मनोज का जवाब आया है अंकेश का जवाब आया है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अनूप का भी जवाब आया है बहुत सही बहुत सही देखो क्वेश्चन चलो टाइम ओवर हो गया ना कोई दिक्कत नहीं अभी अभी हम सॉल्यूशन वाले पार्ट में आते हैं भाई देखो सबसे पहले मेरा क्या मानना है एप्टीट्यूड को लेकर मैं क्लियर कर दू यहां रटने वाली बात तो होते ही नहीं है कि भाई रटा दिए और काम बन गया है ना

ऑफ द डिस्टेंस कवर करने के बाद सॉरी वन फिफ ऑफ द डिस्टेंस कवर करने के बाद हुआ तो मैं थ्री ट्वेंटी का वन फिफ्थ करूंगा तो कितना हो जाएगा पहले ये सोचूंगा वन फिफ थ्री ट्वेंटी को फाइव से डिवाइड किया पहले ध्यान से मेरी बात वर्बली सुनते जाओ एकदम है ना है ना वर्बली सुनते जाओ थैंक्स रश्मि है ना वन फिफ्थ थ्री uh, ट्वेंटी को फाइव से डिवाइड किया तो क्या हुआ सिक्सटी फोर हुआ एकदम दिमाग से वन फिफ्थ हो गया सिक्सटी फोर हो गया अब थ्री ट्वेंटी से सिक्सटी फोर को माइनस करना आना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है यार नंबर है ना सिक्सटी की है तो फोर और करो टू फिफ्टी सिक्स आ गया है ना टू फिफ्टी सिक्स किलोमीटर आ चुका है ठीक है अभी देखो टू फिफ्टी सिक्स किलोमीटर आ चुका है दिमाग से एकदम ध्यान से सुनते जाओ बस वन फिफ्थ जर्नी को हमने कवर किया ठीक है अब बचा कितना डिस्टेंस डिस्टेंस बचा 256 किलोमीटर अब हुआ इंजन ब्रेक थ्री फोर्थ हो गया उसका ओरिजिनल स्पीड से थ्री फोर्थ हो गया थ्री फोर्थ हो गया देखो सॉल्यूशन मैं यहां पे देखो कहीं लिखा सॉल्यूशन नहीं लिखा ना मैं चाहता हूं कि आप सुन के बना लो वन फिफ्थ डिस्टेंस कवर किया थ्री ट्वेंटी का सिक्सटी फोर हुआ वन फिफ्थ के बाद आगे गया बचा कितना 256 बचा फिर जब 256 को 3 बाई फोर की स्पीड से कवर कर रहा था यानी कि ओरिजिनल जो था 4 था यूजुअल 4 था न्यू 3 था तो इस कारण से लेट हुआ 2 आवर्स 40 मिनट पिछले कंसेप्ट आ जाओ पिछले कंसेप्ट आ जाओ बिल्कुल पिछला कंसेप्ट ये बोलता है कि स्पीड और टाइम है ना स्पीड और टाइम आपके पास क्या थ्री फोर्थ है स्पीड यानी कि यूजुअल कितना फोर और न्यू कितना थ्री तो इसको इन्वर्स करो थ्री फोर आ गए ना अभी देखो वन डिफरेंस है वन डिफरेंस इज इक्वल टू वन डिफरेंस इज इक्वल टू टू आवर्स फोर्टी मिनट्स मैं मिनट्स में ले, ले लेता हूं सारी बातों को मिनट्स में ले लू आर में भी ले सकता हूं मिनट्स में ले लेता हूं ठीक है मिनट्स में ले लिया तो वन ट्वेंटी मिनट फोर्टी मिनट वन ट्वेंटी प्लस फोर्टी वन सिक्सटी मिनट्स तो वन इज इक्वल टू वन सिक्सटी मिनट्स हो गया ठीक है क्या पूछा है वॉट वॉज इट्स ऑरिजिनल स्पीड इस बार यहां पे है ना 160 मिनट हो गया है 160 मिनट हो गया है ध्यान से सुन रहे हो ना 160 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई किया है ना यूजुअल के टाइम पे किया कितना हो गया 480 मिनट हो गया 480 मिनट हो गया ठीक है ध्यान से सुन रहे हो ना 480 मिनट हो गया और आर में कहूं तो मैं ये कितना हो गया फोर हो गया फोर हो गया ठीक है यहाँ पे फोर का टाइम हो गया जो कि यूजअल टाइम था है ना फोर आवर का टाइम हो गया ध्यान से सुने ना फोर आवर का टाइम हो गया जो कि यूजुअल टाइम था लेकिन यहां पे डिस्टेंस 256 बचा था और वही डिस्टेंस को कवर करने में फोर आवर लगा तो यानी कि 256 को बिना किसी एक्सीडेंट के कवर करता तो फोर आवर लगता एक्सीडेंट वाला करते तो भाई यहां फोर से मल्टीप्लाई हो जाता और ये कितना हो जाता कितना हो जाता है सिक्स फोर्टी मिनट हो जाता ठीक है बिना एक्सीडेंट वाला फोर से डिवाइड किए तो कितना हो गया फोर सिक्स ट्वेंटी है ना 24 फोर 64 और 64 ऑप्शन में है क्या बिल्कुल है आंसर हो गया क्लियर है क्या आप लोगों को जल्दी से बता दो क्लियर है क्या क्लियर है क्या जल्दी से है ना वर वाली फिर से फिर से ए, एट क्या कह रहा है? फिर से देख लेते ना फिर से देख लेते मैं क्वेश्चन को कहीं भी नहीं लिख रहा हूं आप लोग से बातों बातों में सिखाऊंगा 320 किलोमीटर ट्रेन को डिस्टेंस कवर करना है और ये वन फिफ्थ ऑफ द डिस्टेंस कवर करने के बाद थ्री ट्वेंटी को फाइव से डिवाइड करो करो सिक्सटी फोर आया है ना मतलब सिक्सटी फोर कवर कर लिया थ्री ट्वेंटी से सिक्सटी फोर कवर कर लिया ठीक है एक डायग्राम बनाते हैं चलो और बढ़िया से, ये रहा यहां से यहां तक का थ्री ट्वेंटी किलोमीटर का डिस्टेंस और वन फिफ्थ कर लिया यानी कि सिक्सटी फोर किलोमीटर कर लिया ठीक है और बचा कितना बचा कितना माइनस करते हैं ना माइनस करते हैं है ना सिक्सटी माइनस करो कितना हो रहा है टू सिक्सटी हो रहा है फोर और कर दो टू फिफ्टी सिक्स किलोमीटर ठीक है और यहां पे देखो थ्री इंस टू फोर हो रहा है थ्री इस टू फोर ध्यान से एकदम ध्यान से यूजुअल स्पीड फोर न्यू स्पीड थ्री ठीक है तो टाइम थ्री फोर ठीक है अभी देखो ना यूजुअल से न्यू में जो डिफरेंस आया वो ब्रेक डाउन के कारण आया उसके कारण तो टाइम में डिफरेंस आया ना उसी के कारण से तो यहाँ पे लेट हो गया यहाँ तक जर्नी में तो सब चीज ठीक था यहाँ से लेट हुआ ना इतना डिस्टेंस में लेट हो गया ना मिनट्स का तो यहां से देखो अगर डिफरेंस है और यहाँ पे टू आवर्स फोर्टी मिनट्स है टू आवर्स फोर्टी मिनट को मैंने कन्वर्ट किया मिनट में तो वन सिक्सटी आया तो इतनी दूरी का टाइम कितना होगा इतनी दूरी का टाइम होगा थ्री इंटू वन सिक्सटी यानी कि फोर एटी मिनट यानी कि सिक्सटी से डिवाइड करूं तो फोर आवर्स तो इतना डिस्टेंस कवर करता अगर बिना किसी एक्सीडेंट के बिना किसी ब्रेकडाउन के ओरिजिनल स्पीड से जाता तो फोर आवर्स में कर लेता लेकिन लेट हुआ ना लेट हुआ यानी कि इससे मल्टीप्लाई करके देख लो ना आप लेट आ जाएगा आपको लेट हुआ ना तो 640 मिनट में किया देखो 640 मिनट में किया तो कितना डिफरेंस आ रहा है फोर आवर्स है ना देखो आपको आएगा टू आवर्स फोर्टी मिनट का ठीक है तो यहां पे अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना 64 किलोमीटर पर आवर है ना और ये आपका ओरिजिनल यूजबल स्पीड होगा क्लियर है ओके ठीक है और यहां पे फोर आवर्स है मैंने किससे डिवाइड किया 60 से डिवाइड किया ना अभी रविंद्र बाबू बता रहे हैं सर सिक्सटी से डिवाइड कर रहे हैं अपन तो यहाँ पे तो एट आवर्स हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे एट आवर्स हो जाएगा और यहाँ पे यहाँ देखिए ध्यान से टू को एट से डिवाइड करेंगे तो थर्टी किलोमीटर पर आवर हो जाएगा देखो भाई अपन क्या है कि डायरेक्ट आ जाते हैं मैदान में ना थोड़ा कैलकुलेशन चला जाता है सही है सही है सही है सही है पर सही है ठीक है ठीक है एट आवर्स होगा बिल्कुल बिल्कुल थर्टी टू करेक्ट है एट आवर्स होगा भाई फोर एटी मिनट था ना मतलब देखो यार कंसर्ट बराबर मिल रहा है अप्रोच बराबर मिल रहा है थोड़ा बहुत डाटा इधर से उधर हो गया बस ठीक है इतना तो आप लोग कर लोगे फोर एटी को सिक्सटी से डिवाइड करेंगे अपन तो एट आवर्स होगा ये हमारे रविंद्र जी बताया अभी बिल्कुल सही बताया ठीक है तो यार थर्टी टू किलोमीटर पर आर होगा धन्यवाद धन्यवाद ठीक है क्लियर है आप लोगों को क्लियर है फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चलिए नेक्स्ट टाइम दे दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बढ़िया से एकदम टाइमर लगा हुआ है नहीं आप लोगों का जवाब आना चाहिए ना रविंदर जी का जवाब आया सर एट आवर्स होगा तो आप लोगों को भी तो कहना चाहिए सारा अप्रोच आप लोगों के सामने रख दे रहा है सारा मतलब मैं अपना सारा मसाला सामने रख दे रहा हूं तो आप लोग थोड़ा तो हेल्प करोगे बोलोगे तो सर यहाँ पे कुछ हो रहा है एट आवर्स है फोर आवर्स है गलती हो रहा है ना आप लोग भी देखिए हाँ बिल्कुल निशान सही है सही है बराबर है उस दिन वाला हाल हो गया अपना आप लोग ध्यान दीजिएगा बिल्कुल चेक करेंगे हम आप अटेंटिव हो कि नहीं बिल्कुल इस बात को चेक किया जाएगा हर एक क्वेश्चन में किया जाएगा ये सिंपल सी बात थी 480 480 मिनट्स था मैंने कहा फोर आवर्स आप भी मान गए टाइमर लगा ना निशांत का क्वेरी है सर 32 आया मेरा सही आया आपका पर मेरा एक डाउट है कि डिस्टेंस हमने रिड्यूस कर दिया टू फिफ्टी पर लेट तो ओवरऑल 320 किलोमीटर के लिए है तो हाउ कैन वी टेक टाइम एज 160 मिनट निशांत सिर्फ निशांत का क्वेरी मैं ले रहा हूं निशांत ये बात मैं कह रहा हूं आपसे निशांत जो अपन सिक्सटी तक आ गए ना उसमें तो कोई टेंशन नहीं, नहीं लेट उसकी वजह से थोड़ी हुआ यार लेट तो उस सिचुएशन हुआ ना जहां पे इंजन में प्रॉब्लम आया तो उस चीज को समझना है ना कि वहां पे लेट हुआ है तो इसीलिए हम वहां पे वो डिस्टेंस लिए अगर वो नहीं लेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन में मुश्किल हो जाएगा ना ठीक है अगर वो नहीं लेते आप तो पूरा का पूरा आप क्या लेते डिस्टेंस थ्री ट्वेंटी किलोमीटर लेते थ्री ट्वेंटी किलोमीटर लेते और थ्री फोर का रेशियो कैसे करते आप कैसे न्यू न्यू वर्ड कैसे आ जाता आपके लिए न्यू तो उस एक्सीडेंट सिचुएशन आएगा तो उसके लिए ब्रेकडाउन सिचुएशन आएगा तो उसके लिए ना निखिल का जवाब आ गया एटीन चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पूरा का पूरा ट्राई करने वाले हैं। एकदम वर्ड प्रॉब्लम जैसा ये प्रॉब्लम है और क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं इसके बारे में हम यहां पे डिस्कशन करेंगे सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ सिक्सटी किलोमीटर इन नाइन आवर्स ठीक है यहां पे 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स की बात की जा रही है पार्टली ठीक है ना कंप्लीट कंप्लीट जो है मान लो कि यहां से आता तो, है एकदम ध्यान से देखना 61 किलोमीटर है और नाइन आवर्स में डिस्टेंस कवर किया जा रहा है ठीक है और उसमें भी पार्टली दो पार्टों में यानी कि पैदल चल के भी किया जा रहा है और इसके साथ-साथ बाइकिल में भी किया जा रहा है और आपको यह बताना है कि कितना डिस्टेंस फुट से है और कितना डिस्टेंस जो है बाइसिकल से मैं इसके लिए अलग अलग आपको अप्रोच बताने वाला हूं आप लोग सभी ध्यान से देखिएगा ठीक है सभी ध्यान से देखेगा सभी ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं है ना सबसे बेसिक अप्रोच में लेता हूं बेसिक अप्रोच मेरा क्या है मैं आपको बताता हूं मैंने ध्यान से देखा मैंने ध्यान से देखा कि भाई यहां पे फुट की बात की जा रही है और फुट के साथ बाइसिकल भी है और ये फुट और बाइसिकल के साथ जो है जर्नी कवर हो रही है ठीक है और मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि जो बाइसिकल और फुट की बात की जा रही है तो यहां पे स्पीड दिया गया है ध्यान से सुनना आप लोग सभी ध्यान से सुनना और यहाँ पे भी स्पीड दिया गया है एकदम शॉर्ट ट्रिक में चाहते हो कि एकदम सर एकदम मतलब उड़ा के बता दे सवाल को तो उड़ा के पहले बता देते पहले उड़ा देते फिर बता देते ठीक है अभी देखो कैसे करेंगे इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं सबसे पहला उड़ाने वाला मेथड यहां पे देखना ध्यान से देख रहे हो ना ध्यान से ये पूरा एकदम ध्यान से सुनो एकदम ट्रिक के भाई ये पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा ये उठाना नहीं पड़ेगा आपको मैं बता रहा हूं बस ध्यान से सुनते जाना आप क्या करना आप ना यहां पे, और डाउट भी पूछना लेकिन डाउट पहले सुनो नाइन आवर्स है ना नाइन आवर्स तो यहां पे आप नाइन आवर्स लिख दो लिख दिए लिख दिए अब ये बताओ कि फुट का स्पीड कम है या बाइसिकल का किसका कम है फुट का कम है ना तो ये फुट वाले स्पीड के लिए यह आरोप और फुट का स्पीड कितना है फोर किलोमीटर ध्यान से एकदम ध्यान लगेगा तभी समझ आएगा शॉर्ट ट्रिक ठीक है मैं इसके बाद ये सीख लो और भी दो मेथड बताऊंगा इस सवाल के लिए ठीक है आंसर आने लगे वेरी गुड वेरी गुड आंसर आ रहे हैं है ना आप लोग शेयर भी करते रहे यार शेयर भी बनता है एक बार शेयर भी कर दो है ना कंप्लीट कर दो सेंचुरी कर दो इसको कंप्लीट कर दो एक बार शेयर कर दो जल्दी से है ना एक बार शेयर कर दो नाइन आर्स है फोर क्लिप ध्यान से अभी मैं यहां पे मैं यहां पे लिख भी रहा हूं स्पीड किसका कम फुट का फुट का ही तो कम होना चाहिए हाँ ठीक है अब ये स्पीड किसका बाइसिकल का ठीक है, ध्यान से। अगर अगर मैं ये कहूं अगर मैं ये कहूं यही तो ट्रिक है सुनना इसको ट्रिक का नाम क्या बताऊ ट्रिक का नाम है सेटिस्फाई द स्मॉलेस्ट वन ठीक है मैं ऐसा हेडिंग नहीं लिख रहा हूं अपना है इसलिए बता रहा हूं सेटिस्फाई द स्मॉलेस्ट वन ध्यान से आप क्या करो ना ये मान लो ये मान लो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में कि आइए जो फोर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फुट के पैदल चल रहा है ना ये पूरा पूरा नौ घंटे चला पूरा कितना घंटा नौ घंटे चला अगर पूरा का पूरा नौ घंटे ये चल गया है तो इसका मतलब है कि ये थर्टी सिक्स किलोमीटर ही कवर करता करता कि नहीं थर्टी सिक्स किलोमीटर करता है ना लेकिन जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए सिक्सटी वन किलोमीटर होना चाहिए होना चाहिए था लेकिन ये थर्टी सिक्स ही हो पाता तो अगला स्टेप सुनो पहला स्टेप ये बोला कि कम स्पीड वाले को इधर

क्या करके लिखे माइनस करके और इसके बाद ये थर्टी सिक्स किलोमीटर है ना और ये देखो कि इन दोनों को माइनस किए तो क्या आया क्या आया ट्वेंटी फाइव किलोमीटर आया आया वर्बली सिखाऊंगा मैं वर्बली बोलोगे आंसर लिखोगे नहीं बोलोगे ट्वेंटी फाइव किलोमीटर है ये फाइव किलोमीटर पर आर है अब ये बताओ कि कितना आर आएगा डिस्टेंस बाई स्पीड कर दोगे तो आप फाइव आर आ जाएगा तो फाइव आर अगर वो बाइस्किल में था और स्पीड उसका नाइन किलोमीटर पर आवर है तो इसका मतलब है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा बाइसिकल में यह किया होगा 45 किलोमीटर ठीक है वर्बली बताऊंगा मैं 45 किलोमीटर और अगर वहां 45 किया होगा तो 61 से माइनस कर दो 61 से माइनस कर दो तो यह 25 किलोमीटर होगा 25 होगा क्या फिर से आप लोग हां बोल दोगे और मैं एरर जो है आप लोग भी बता नहीं पाओगे तो यहां माइनस करोगे आप ठीक है करो कितना होगा कितना होगा कितना होगा जल्दी से सिक्सटीन वेरी गुड वेरी गुड आंसर आ गया किलोमीटर इसको नोट करो जल्दी से है ना इसको वर्बली हम लोग यहां हैं एकदम वर्बली डिस्कस करेंगे इसको मैं बता रहा हूं ऐसा ये कलम ऐसा रख दोगे सुनना बस नोट कर लो स्क्रीन ले लो क्योंकि अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब सुनो इसका शॉर्ट ट्रिक का नाम है सेटिस्फाई द स्मॉलेस्ट वर्ल्ड ठीक है इसमें क्या है कि दो अलग अलग सब्जेक्ट है बाइसिकल है फुट है दोनों का अपना अलग अलग स्पीड है ठीक है और दोनों को मिक्स करके एकदम ध्यान से सुनो जो बता रहा हो ध्यान से सुनो ठीक है कम वाले को कम वाले को फोर किलोमीटर पर आवर को मान लो भाई पूरा नौ घंटा तू ही चला है पैदल ही चला है तो चला है तो नाइन फोर जा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स होना था सिक्सटी वन है थर्टी सिक्स कितना कम ट्वेंटी फाइव कम ट्वेंटी फाइव कम हमेशा आप छोटे से शुरू करोगे और ज़्यादा स्पीड वाले की तरफ आओगे आप इस क्वेश्चन ये जो मैं शॉर्ट ट्रिक है ये मैं आपको नंबर सिस्टम में भी बताऊंगा और बहुत सारे कल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसमें बताऊंगा। ठीक है अभी देखो ट्वेंटी फाइव बचा स्पीड डिफरेंस कितना आया फाइव आया फाइव आया ट्वेंटी फाइव को फाइव से डिवाइड करो फाइव आएगा और ये फाइव आवर एक्चुअल आंसर है किसका ज्यादा स्पीड वाले का बाइसिकल का यानी बाइसिकल फाइव आवर चला था और नाइन की स्पीड से फोर्टी फाइव कवर किया और बचा सिक्सटीन वो आंसर था क्लियर है क्या आप लोगों को जल्दी से बता दो है ना हाँ एलोबरेट करके बोल देते हैं एकदम बढ़िया देखो सबसे पहले है ना सेटिस्फाई द स्मॉलेस्ट वन कहा मैंने नाइन आवर्स आप लिखे ठीक है तो अलग अलग स्पीड है इसका एक और एग्जाम्पल मैं दूंगा एक और एग्जाम्पल मैं दूंगा ठीक है नाइन आवर्स है और इसके बाद यहां पे मैंने बोला कि जो स्मॉलेस्ट स्पीड होगा स्मॉलेस्ट स्पीड कौन सा फुट और ये बाइसिकल आपको क्या करना है पहले ये मानना है कि फोर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूरा का पूरा नाइन आवर चला है तो थर्टी सिक्स किलोमीटर हो गया तो बचा कितना ट्वेंटी फाइव किलोमीटर बचा है अभी हम लोग एजम्पन पे चल रहे हैं आंसर थोड़े देर बाद आएगा और इसका स्पीड कितना होता है फोर किलोमीटर पर आवर इसका नाइन होता है लेकिन जैसे यहां इसको माइनस करें डिस्टेंस को वैसे स्पीड को माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा फाइव किलोमीटर पर आवर अब यहां पे जो फाइव आर आया आपका ये है रियल आंसर ऑफ बाइसिकल और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा इंटू नाइन करेंगे आप किलोमीटर पर आवर तो आपको आ जाएगा फोर्टी किलोमीटर ये रियल आंसर और इसी तरीके से 61 से जब ये माइनस होगा 45 तो 16 किलोमीटर आपका रियल आंसर आ जाएगा फुट का ये एक तरीका स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से और इसके बाद इसके बाद हम फिर से है ना फिर से अरे ये क्वेश्चन को तोड़ेंगे ना यार तीन तरीके से तोड़ेंगे एक कंसेप्ट सीखे ना इस कंसेप्ट का यूज जो होता है और भी बहुत सारे क्वेश्चन में आता है नए नए टॉपिक्स के साथ आके यूज करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होते रहेगी तो अभी सुनो दूसरा मेथड इसका अभी इसका दूसरा मेथड सीखते हैं अब सीखते हैं इसको एलिगेशन मेथड से कैसे तोड़ेंगे एलिगेशन मेथड से देखते हैं। देखो मैंने देखा कि भाई ये जो स्पीड है ये जो स्पीड है 61 किलोमीटर इन नाइन आवर्सटी वन बाई नाइन करता हूं मैं तो ये इसको मैं सॉल्व करने जाता हूं ओवरऑल तो कितना हो जाता है नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर 96 54 होता है अब मैं डेसिमल लगाता हूं तो ये 7 हो जाता है 71 बन जाता है 97 जा 63 होता है और ऐसा ये बढ़ते जा रहा है 6.77 हो जा रहा है चलो भाई मैं 6.7 पे गाड़ी रोक दिया कोई दिक्कत नहीं एकदम ध्यान से इसको वो कह रहे हैं एलिगेशन मेथड यहां पे मैं फुट और यहां पे मैं बाई साइकिल लिख दिया ठीक है ध्यान से फुट का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर बाइसिकल का स्पीड कितना है नाइन किलोमीटर पर आवर दूसरा दूसरा मैथड है ना कहो कि तो एक और मैथड बता दूंगा मैं आपको भाई एक क्वेश्चन सोल्व करने के अपने पास अनेक अनेक मैथड है बस आप लोग बोलो तो फोर नाइन अभी देखो यहां पे एक मिक्स वैल्यू आई कि नहीं आई क्यों आई क्योंकि दोनों का सपोर्ट था भाई फुट भी था बाइसिकल भी था मिक्स वैल्यू का हमेशा ऐसा बीच में लिखो सिक्स पॉइंट सेवन सेवन को ठीक है लिख दिए किलोमीटर पर आवर भी लिख दो अब आपको क्या करना है देखो इससे इसको माइनस करो 2.77 कुछ आ रहा है इससे इसको माइनस करो माइनस करोगे क्या आएगा माइनस करोगे आपको आएगा 2.23 तो तो कुछ आ रहा है ठीक है ऐसे ही कुछ आ रहा है, है ना देख लो आ रहा है इन दोनों को रिलेट करोगे रिलेट करोगे रेशियो आएगा और वो रेशियो आपको बता वो रेशियो से आप 61 किलोमीटर को रिलेट करोगे तो आपको डिस्टेंस आ जाएगा ठीक है यहां पे डेसिमल का मामला था इसीलिए ये मेथड मैं बाद में बताया ठीक है।, है ये एलिगेशन मेथड से भी जाएगा चलो एक और मेथड देख लेते हैं हो सकता है बहुत लोगों को वैसा मतलब लेंग्वी मेथड भी पसंद हो तो उसके लिए क्या है उसके लिए यह है कि आपको पता है कि यहां पर स्पीड दिया गया है यहां पर स्पीड दिया गया है ठीक है और आपको यह भी पता है कि आ, दो स्पीड दिया गया है और यहां पे टाइम भी दिया गया है एकदम ध्यान से देखना अगर बेसिक फॉर्मूले से देखते हैं इसको तो एस डी टी से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है ठीक है है टाइम दिया गया नाइन आवर्स तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा हो जाएगा तो इसको ऐसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं यह भी हम देख लेते हैं कि यह तरीका क्या हो सकता है तो देखो अगर मैं मान लूं अगर मैं मान लूं कि ये 61 किलोमीटर 61 किलोमीटर की बात कर रहा हूं ना इसमें से एक्स पोर्शन जो है वो फुट से ट्रैवल किया गया तो ऑटोमेटिकली ये 61 x किससे होगा बाई से होगा ठीक है अगर मैं मान लूं कि ये दोनों को ट्रैवल करने में दिया तो है 9 आवर्स है है ना ये t1 मान लिया और ये t2 मान लिया और ये टोटल टाइम t आ गया है ना अभी मैं क्या किया t के जगह पे किया ध्यान ध्यान से से भाई है ना कुछ भी ऐसा है और मैं जब टी इज इक्वल टू डी बाई एस भी तो कर सकता हूं मुझे एस तो पता है डी तो पता है डी मैं यहाँ पे फुट वाले केस में एकदम स्मार्टली यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ और एस को मैं लिख देता हूँ क्या फुट का स्पीड फोर x अपॉन फोर और t2 में मैं 61 वन माइनस एक्स कर देता हूं और ये लिख देता हूं नाइन ठीक है अभी ये टाइम के फॉर्म में ही तो आ गया टाइम के फॉर्म में ही तो आ गया और मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लेता हूं x बाई फोर प्लस सिक्सटी माइनस एक्स बाई नाइन और ये रहा नाइन और यहां एलसीएम ले लेता हूं एलसीएम लेता हूं तो ये नाइन एक्स हो जाता है और ये फोर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा टू फोर्टी फोर माइनस फोर एक्स और ये बन जाएगा नीचे थर्टी सिक्स एलसीएम तो आएगा नाइन फोर का और मैं थर्टी सिक्स का मल्टीप्लाई उस तरफ नाइन तो हो गया ठीक है अभी देखो नाइन एक्स से फोर एक्स माइनस किया तो फाइव एक्स हो गया और थर्टी सिक्स नाइन जा करूंगा तो कितना आएगा थर्टी सिक्स टेन जहाँ थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी थर्टी सिक्स कम करो तो कितना होगा थ्री ट्वेंटी फोर होगा थ्री ट्वेंटी फोर हुआ और 324 से मैं 244 माइनस करने जाऊंगा तो क्या होगा 324 से मैं पहले 224 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 100 आएगा और मैं 20 कम किया था फिर 20 कर दूंगा तो 80 आएगा आएगा ना तो 80 आएगा करके देखो यार स्पीड आएगा साथ रहो तो सीख जाओगे कैलकुलेशन ठीक है है ना साथ रहोगे तो सीख जाओगे स इज इक्वल टू कितना होगा एटी होगा तो x की वैल्यू आ जाती है सिक्सटीन किलोमीटर और उड़ा देते हैं हम ऐसे सवाल तो ये हो गया सिक्सटीन किलोमीटर अब आपके पास तीन मेथड मैंने दिया जो बेस्ट लगे यूज करो ठीक है जो बेस्ट लगे आप यूज करो बिंदास चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बढ़िया से एकदम चलो टाइमर रेडी है और आप लोग भी रेडी है एकदम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से चलो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा क्वेश्चन है इसको मैं होमवर्क में रखता हूं ठीक है इसको मैं होमवर्क में रखता हूं ताकि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी उपस्थिति को वहां पे इस बात को साबित करेंगे कि क्लास आपको पसंद आई है ना इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से निशांत इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लिए ना एलिगेशन मेथड चलो स्क्रीनशॉट ले लो होमवर्क करना इसको देखो एलिगेशन मेथड में क्या होता है ना कि दो वैल्यू दी जाती है दो वैल्यू दी जाती है ये वैल्यू दी जाती है और ये वैल्यू दी जाती है, है ना और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से है ना उन दोनों के कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन से इट्स नॉट जस्ट एवरेज है ना एवरेज होता तो एवरेज होता लेकिन एवरेज नहीं है है ना तो यहां कॉम्बिनेशन से क्या होता है कॉम्बिनेशन से एक और वैल्यू आती है जो एक से ज्यादा होती है मैं थोड़ा सा यहां पे चीजों को बता दूं अगर मैं यहां पे फाइव रख दूं यहां पे सेवन रख दूं और यहां पे सिक्स रख दूं ठीक है अब देखो कि सिक्स जो है फाइव से ज्यादा है लेकिन सेवन से कम है वैसे ही होगा हमेशा ये वैल्यू एक से ज्यादा और एक से कम होगी तो आपको यहां पे रेशियो क्रिएट करने मिलेगा जैसे कि भाई इससे ज्यादा तो इससे इसको माइनस करो और अल्टरनेट फॉर्म में यहां पे इसको लिखो वन ठीक है सिमिलरली ये ज्यादा है तो इससे इसको माइनस करो और यहां पर लिखो वन ठीक है और ये जो रेशियो अगर देखो अगर यहां पर फुट और बाइसिकल की बात होती फुट और बाइसिकल की बात होती क्वेश्चन पे आता मैं ले लूंगा। अगर मैं कितने रुपए का हो गया ट्वेल्व रुपीज का हो गया मिक्स करके बेचे ना टू के जी ट्वेल्व रुपीज का हो गया तो यहां पे पर देखो ध्यान से सिक्स रुपीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना सिक्स रुपीज आ रहा है कि नहीं आ रहा पर केजी सिक्स रुपीज आ रहा है कि नहीं आ रहा ध्यान से देखो आ रहा है ना तो यहां पे एलिगेशन मेथड वही है रेशियो रेशियो ही था मतलब equal था मतलब कि इक्वल वेट का अगर मैं यहां पे कुछ ऐसा कर दूं कि दू किए टू हो जाए one is to two हो जाए तो यहां पे वैल्यू कुछ और आ जाएगी देखो समझ आया ना अभी मैं फुट वाला क्वेश्चन ले लेता हूं मुझे मालूम है कि आप लोग सोच रहे हो कि फुट वाला क्वेश्चन नहीं लिया ये एलिगेशन मैथड मैंने आपको समझाया ठीक है एलिगेशन मैथड मैंने आपको समझाया बिल्कुल

और यहां पे देखो नाइन ज्यादा है तो नाइन माइनस सिक्स बाई नाइन कर दो ठीक है इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा ट्वेंटी बाय नाइन आएगा करके देख लो आप लोग है ना इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा ट्वेंटी फाइव बाई नाइन आएगा बिल्कुल आएगा नाइन नाइन कैंसिल हो गया फोर इंस टू फाइव आ गया है ना कुछ गलती हो रही क्या इक्यासी बीस हाँ ठीक है ठीक है. है. है ना आएगा तो रेशियो कितना आ रहा है फोर इंस टू फाइव आ रहा है फोर इंस टू फाइव आ रहा है लेकिन यहां वैल्यू कितना आ रही है नाइन आ रही है नाइन वैल्यू आ गई फोर इंस टू फाइव आ गया कुछ गलती कैलकुलेशन मिस्टेक ट्वेंटी बाई नाइन नहीं ठीक है फोर इंस टू फाइव आ गया अभी देखो यहां इस क्वेश्चन में क्या हुआ फोर इंस टू फाइव तो आ गया लेकिन हमको एग्जैक्टली exactly डिस्टेंस पता था क्या डिस्टेंस पता था क्या डिस्टेंस पता था सिक्सटी वन किलोमीटर ठीक है ये क्वेश्चन देखो यार डेसिमल का बात आ जाएगा इसलिए मैं बोला एलिगेशन मेथड इसमें रहने दो इसमें रहने दो एलिगेशन मेथड है ना आप ऐसा कर सकते हो आप वो जो सेकंड मेथड है ना अगर फर्स्ट मेथड क्लियर नहीं है तो टी वन प्लस टी टू करो टी करो और इसके बाद इसको रिप्रेजेंट करो एक्स बाई फोर और इसको रिप्रेजेंट करो सिक्सटी वन माइनस एक्स बाई नाइन से और ये आपको कितना हो जाएगा नाइन आर हो जाएगा ऐसे करके बना लो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ट्रेन आ गया भाई जब टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ते हैं ना उसका एप्लीकेशन होता है ट्रेन ठीक है ट्रेन के सवाल आते हैं और बिल्कुल आते हैं तो ट्रेन के कंसेप्ट हम देखेंगे आ, लगा दीजिए टाइमर ना लगा दीजिए टाइमर जल्दी से जल्दी से आंसर दे दीजिए आप लोग सभी अभिषेक सिमरन जल्दी से टाइमर लगा हुआ है आप लोगों के जवाब भी आते ही होंगे है ना हाइट ऑफ द पोल दिया गया ठीक है ओके okay. ठीक है कंसेप्ट भी हम देखेंगे जल्दी जल्दी देखेंगे एकदम जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कीजिए आप लोग टाइसन का जवाब आया सौरभ का जवाब आया फोर्टीन ओके okay. विशाल को था, विशाल थैंक यू कह रहा विशाल मतलब है विशाल डेली आइए डेली मतलब कि मेरा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे है संडे भी आ गए आज तो क्योंकि कल का सेशन थोड़ा हम लोग ब्रेक कर दिए थे ठीक है आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी अच्छा दिव्या का कहना है सर मुझे रिप्लाई ही नहीं किया आपने दिव्या का सवाल किया था दिव्या एक बार और सवाल रख लीजिए आप अपना बिल्कुल रिप्लाई करेंगे एक बार सवाल रख लीजिए चैट ऊपर चले गए होंगे ओके हाँ दिव्या थैंक्स अलॉट आप लोगों को हमारा सेशन पसंद आ रहा है बिल्कुल चलिए हो गया ना रोक दीजिए चलिए सौदा मिनी का भी जवाब आ गया चलिए जल्दी से एक थ्योरी का पार्ट देखेंगे एकदम फटाक से देखेंगे एकदम टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे और आप लोग सभी देखेंगे मैं बोला टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक एप्लीकेशन होता है ट्रेन ट्रेन के क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं इस पर हम गौर फरमाने वाले हैं तो आप लोग ध्यान से देखने वाले हैं जो पहला क्वेश्चन होता है है ना वो क्या होता है ट्रेन हमेशा क्वेश्चन में क्रॉस करते मिलेगा आपको ट्रैवल करते कभी कभार मिल जाएगा लेकिन क्रॉस करते हैं हमेशा मिलेगा ठीक है अब पहला कॉन्सेप्ट आता है क्रॉसिंग मैन क्रॉसिंग आ मैन स्टैंडिंग मैन है ना ओके स्टैंडिंग मैन इंपॉर्टेंट है क्रॉसिंग अ स्टैंडिंग मैन और पोल है ना पोल टेलीग्राफ पोल जो भी लिखा है भाई जो भी लिखा है ठीक है और ट्री और आपसे इसमें पूछ लेगा कि ट्रेन का स्पीड बताओ टाइम बताओ क्रॉसिंग का तो क्या करना डायग्राम देखिएगा समझ आ जाएगा ये रहा ट्रेन ठीक है ये ट्रेन और ट्रेन यहां पे अपने पटरी पे चलता हुआ और वो क्रॉस किसको कर रहा है किसी इंसान को पेड़ को किसी को भी कर रहा है अब ध्यान से समझो बात को है ना या क्रॉसिंग टाइम पूछा जाएगा तो डिस्टेंस का तो नीड है ना एस डी टी स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है अब जब ट्रेन जो है या 100 मीटर लेंथ का है मानना है भाई क्वेश्चन पे नहीं आया हूं 100 मीटर उसका लेंथ है और क्रॉस करने में वो 10 सेकंड्स ले रहा है और वो जब क्रॉस होगा जब क्रॉस होगा इसका मतलब है जब यहां पे आएगा ऐसे करके ठीक है यहां पे ऐसे करके आएगा और इसके बाद जब क्रॉस होगा फाइनली ऐसे करके क्रॉस हो जाएगा तो यहां पे ये ग्रीन वाला पोर्शन देखिएगा ट्रेन क्रॉस हो गया यानी ट्रेन क्या क्रॉस हुआ अपने लेंथ को क्रॉस हुआ लेंथ को क्रॉस हुआ यानी कि समझ गया आप लोग कि कभी भी स्टैंडिंग मैन पोल ट्री को क्रॉस कर रहा है तो ट्रेन अपने खुद के लेंथ को क्रॉस कर रहा है ठीक है खुद के डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है तो हंड्रेड अपॉन टेन करेंगे टेन ट्रेन का स्पीड आएगा टेन मीटर पर सेकेंड ठीक है क्या सीखे पहले पॉइंट से कि ट्रेन कभी भी स्टैंडिंग मैन पोल या ट्री को क्रॉस करता है तो अपने डिस्टेंस को क्रॉस करता है अगर वो मैन जो है कि किसी प्लेटफॉर्म में खड़ा हो ब्रिज में खड़ा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता स्टैंडिंग है, है ना आइडल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है अब दूसरा कंसेप्ट जल्दी से सुन लीजिए एकदम जल्दी से टाइम नहीं लेंगे दूसरा कंसेप्ट यह कहता है कि क्रॉसिंग आ प्लेटफॉर्म ठीक है अब ध्यान से नोट्स बनते रहना चाहिए वीडियो बार बार देख लीजिएगा अगर स्पीड ज्यादा है तो ये रहा ट्रेन ये रहा ट्रेन और ट्रेन अपने पटरी पे दौड़ता हुआ जा रहा था ठीक है और अचानक से अचानक से तो नहीं ट्रेन को तो पता ही होगा हम लोगों को अचानक से है ना ये रहा प्लेटफॉर्म अब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है ट्रेन को ठीक है प्लेटफॉर्म एंटर करने वाला है ट्रेन और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो ध्यान से एकदम ध्यान सुनो जब यहां से ट्रेन एंट्री मार रहा है अपना ऐसे ट्रेन जो है ऐसे एंट्री कर लिया अपना यही ट्रेन है ना बस कलर चेंज इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ आए और इसके बाद चलता हुआ ट्रेन यहां पे ये यह एग्जिट है यहां से ऐसे करके बाहर निकला तो जाके मानेंगे हम कि ट्रेन क्रॉस हो गया तो यहां पे जो क्रॉसिंग प्रोसेस था आप देख सकते हैं एंट्री से लेके एग्जिट तक का ट्रेन जब क्रॉस करता है अगर ट्रेन का लेंथ यहां पे 100 मीटर है भाई क्वेश्चन नहीं है अपने मन से दे रहा हूं और 200 मीटर प्लेटफॉर्म का लेंथ है और आपसे कहा गया है कि 30 सेकेंड में ट्रेन क्रॉस कर रहा है प्लेटफॉर्म को तो तुरंत समझ जाओ कि ट्रेन का स्पीड कितना है टेन मीटर पर सेकंड कैसे टू हंड्रेड और थ्री हंड्रेड को ऐड किए तो थ्री हंड्रेड मीटर और ये रहा थर्टी सेकंड में क्रॉस किया तो ट्रेन का स्पीड टेन मीटर पर सेकंड और इसमें क्वेश्चन और क्या क्या बन सकता है ये बन सकता है आपसे देखिए ध्यान ध्यान से से एकदम क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं हम लोग एकदम ध्यान से यहां पे नहीं दिया टू हंड्रेड मीटर ठीक है और ये कह दिया आपसे क्या कह दिया कि ट्रेन का जो स्पीड है ना ट्रेन के स्पीड के बारे में कह दिया कि ट्रेन का स्पीड यहां ये भी मैं हटा रहा हूं ध्यान से सुनना आप लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग बस इसके बाद आएंगे है ना ये कह दिया कि ट्रेन का स्पीड जो है थर्टी मीटर पर सेकेंड है और ट्रेन जो है क्रॉस करने में ट्वेंटी सेकेंड लेती है कितना ट्वेंटी से बता दो प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या होगा बताना चाहते हो बता दो सुने हो तो है ना कि थर्टी मीटर पर सेकेंड ट्रेन का स्पीड है लेंथ हंड्रेड मीटर है ट्वेंटी सेकेंड में क्रॉस हो रहा है प्लेटफॉर्म का लेंथ बता दो ऐसा सवाल आ सकता है पांच बजे ढांडे सर का क्लास है ओके माही तो जब हमें कॉल आ जाएगा कि सेशन ऑफ कर दिया जाए कर देंगे या क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाएगा तो कर देंगे जल्दी से फाइव हंड्रेड देखो फाइव हंड्रेड कैसे आया जवाब जवाब कैसे आया फाइव हंड्रेड कैसे आया अलग अलग तरीके से लाए होंगे जैसे सौरभ सौरभ हो सकता है इस तरीके से लाया होगा कि 100 मीटर है प्लस यहाँ पेट्रोल प्लेटफॉर्म का लेंथ है और इसको मतलब ये डिस्टेंस हो गया एस डी टी लगाया होगा टाइम दिया है 20 सेकेंड्स और स्पीड जो है 30 मीटर पर सेकेंड क्या सौरभ ऐसे ही किए ना जल्दी से बताइए ऐसे ही किए क्या ये डिस्टेंस अपॉन क्या कहते हैं टाइम स्पीड क्रॉस मल्टीप्लाई और प्लेटफॉर्म का लेंथ आ गया माइनस करके 500 सौरभ बताइएगा क्या ऐसे ही किया आपने ऐसे ही किया आप लोगों ने क्या यस बोल दीजिए एक बार यस सर सौरभ का जवाब आया सबसे पहले जवाब के साथ यस सर लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा कंसेप्ट अपना बदले कंसेप्ट बदले है ना माही का भी जवाब है यही प्रोसेस कंसेप्ट थोड़ा बदलना है क्यों क्योंकि यार जो फॉर्मूला सोचने में जो टाइम लगा है ना वो टाइम ना लगे इसीलिए देखो मैं क्या बोलता हूं इसको थोड़ा सा मैं अभी रेज कर रहा हूं ध्यान से जब यहां पे आपको पता है कि टाइम जो लगा कितना ट्वेंटी सेकंड्स लगा है ट्रेन का स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड और लेंथ जो है 100 मीटर है मैं कैसे ब्रेक करता है क्वेश्चन को यह बता रहा हूं आपको यह सिखा रहा हूं मैं यहां पे जैसा कि मुझे पता है कि एक से देखो यहां पे यहां से ब्रेक करता मुझे यह 60 किलोमीटर पर आवर 90 किलोमीटर पर आवर यह बात बताता है जैसे थर्टी मीटर पर सेकेंड है कि वन सेकेंड में थर्टी मीटर की डिस्टेंस कवर की जाती है ठीक है और मुझे यह कहा गया कि ट्वेंटी सेकेंड में क्रॉस किया गया यानी ये इन ट्वेंटी ये इन ट्वेंटी ठीक है और ये वैल्यू बता रहा है सिक्स हंड्रेड मीटर लेकिन भाई ट्रेन का लेंथ क्या था ट्रेन का लेंथ था हंड्रेड मीटर ठीक है अगर ट्रेन का लेंथ हंड्रेड मीटर था तो तुरंत दिमाग देखो चीजें क्या है ना मतलब ऐसा लिखना ना पड़े टी एल प्लस पी एल अप करके करोगे ना तो लिखना पड़ेगा मैं चाहता तो हूं लिखना ही ना पड़े और लिखना ना पड़े वो कैसे होगा थर्टी ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड थर्टी ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड है ना थर्टी ट्वेंटी थर्टी ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड और हंड्रेड माइनस किया तो फाइव हंड्रेड ऐसा ठीक है तो यहां से हंड्रेड और ये फाइव हंड्रेड है? है? जल्दी से तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे और ट्रेन रिलेटेड और भी कंसेप्ट है क्वेश्चन आते रहेंगे तो हम लोग कंसेप्ट बात करेंगे अभी देखो यहां पे 140 मीटर लॉन्ग है 36 किलोमीटर पर आवर मैं बोल रहा हूं कन्वर्जन तो आना ही चाहिए मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्जन आना ही चाहिए मैं कैसे उड़ाऊंगा इसको मैं आपको अपना कंसर्ट बता रहा हूँ मुझे यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर मिला तो मैं तुरंत सोचा ये बात कि भाई 5 मीटर पर सेकंड 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड बराबर 18 किलोमीटर पर आवर 18 किलोमीटर पर आवर 18, hour, 18, hour, 18 के टेबल में बात हो रही तो 18 थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आर हो गया इंटू टू हो गया तो फाइव को भी इंटू टू कर देता हूं पर सेकेंड हो गया टेन मीटर पर ठीक है यानी कि टेन मीटर नहीं वन फोर्टी मीटर होगा तो इंटू फोर्टीन होगा तो वन सेकेंड भी इंटू फोर्टीन होगा आंसर आ जाएगा फोर्टीन सेकेंड क्लियर है जल्दी से है ना क्लियर है जल्दी से बता दीजिए क्लियर है कैसे किया देखो थोड़ा सा मैं क्या बोला शॉर्ट ट्रिक में बात कर रहा हूं मैं है ना इसको मुझे सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कर, कन्वर्ट करना आना चाहिए और मैं कतई नहीं कहूंगा कि पांच बटा अठारह करते बैठो इतना आसान है क्या किया मैं दिमाग में मैंने पांच मीटर पर सेकंड बराबर एटीन किलोमीटर पर आवर को पुट करने का प्रयास किया एटीन इंटू टू थर्टी सिक्स होता है तो फाइव इंटू टू मीटर पर सेकंड कन्वर्ट हो चुका है टेन मीटर पर सेकेंड ठीक है अब मुझे पता है देखो दिमाग में चल रहा है सब चीज बस सिखा रहा हो अगर आप कैच नहीं कर पा रहे वन सेकेंड इज इक्वल टू टेन मीटर है तो यहां पे वन फोर्टी मीटर यानी कि इंटू फोर्टीन यानी कि यहां भी इंटू फोर्टीन हो गया आंसर फोर्टीन सेकेंड में ठीक है क्लियर है जल्दी से बता दीजिए क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कि सेशन को यहीं पे कंक्लूड कर दें जल्दी से बता दीजिए है ना एकदम मतलब बेसिक एकदम बेसिक से है ना यार अगर मैं यही करने बैठा एस डी टी लिख के एस डी टी ऐसा लिख दिया मैं और मैं यहां पे सोचा कि डिस्टेंस वन देखो यहाँ से मैं क्या क्या सिखाया मैं ये सिखाया ना टेली जैसे ये पोल है टेलीग्राफ पोल या फिर कोई भी पोल या ट्रे या ट्री या फिर स्टैंडिंग मैन हो तो खुद के लेंथ को क्रॉस करता है तो यहाँ वन फोर्टी मीटर मैं लिखूँ और टाइम टाइम के बारे में तो पूछा ही है तो स्पीड यहाँ पर लिखूँ थर्टी किलोमीटर पर आवर ठीक है ऐसा करके मैं अगर करने बैठ गया और मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं क्या आपको क्लास सेवन एट का ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे ट्यूशन तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं तो आपको एफ सिखा रहा हूँ ना एफ एफटी है भाई एफटी पढ़ने आए हो मैथ पढ़ने थोड़ी आए हो है कि नहीं मोर क्वेश्चन ओके प्रणली का कहना है मोर क्वेश्चन ओके मजा आ रहा है आप लोगों को वाह बंसल जी वाह ओके सिमरन नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बढ़िया से एकदम टाइमर लगा दीजिए इतना बड़ा स्टेटमेंट है देखते हैं तूफान मचाएगा कि नहीं आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं था टाइमर लगा हुआ है ओके चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई क्वेश्चन चाहिए शेयर कर दीजिए थोड़ा और भी लोग जुड़ते जाए ना हम लोगों के साथ शेयर कर दीजिए आंसर्स आ रहे हैं क्या थोड़ा सा डिटेल बता दूं क्या क्वेश्चन का चलो देख लो भाई दस सेकेंड और पंद्रह सेकेंड लगते हैं दो ट्रेन है इस बार ठीक है और डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड है उनका दोनों ट्रेन का लेंथ भी दिया वन ट्वेंटी वन फिफ्टी मीटर अब स्पीड का डिफरेंस क्या होगा यह पूछा है इतना डरावना सवाल है मैं सच कह रहा हूँ कुछ नहीं है सवाल में कुछ नहीं है कुछ नहीं आंसर भी आ रहे हैं आंसर भी आ रहे हैं ये जो सवाल है ना ये रिलेटिव स्पीड का एक भ्रांति पैदा किया गया है सवाल में लेकिन वहां पर रिलेटिव स्पीड था ही नहीं क्रॉसिंग वर्ड तो यूज ही नहीं हुआ तो रिलेटिव स्पीड कहाँ से आएगा दो तीन बार ना खटा खटा एकदम मतलब शेयर मार दो एकदम सेंचुरी वाली बात हो जाए बस मजा आ जाएगा फिर है ना शेयर मार दो जल्दी जल्दी आप लोग अपने एफ स्टेटस व्हाट्सएप टेलीग्राम सब जगह बस शेयर मार दो ऑल राइट दिव्या एकदम जबरदस्त मजा आ रहा है ना ये होता है एप्टी समझ रहे हो है ना ये होता है एप्टी और गेट का एग्जाम है ना गेट का एग्जाम स्टार्ट ही होता है जनरल एप्टीट्यूड से ठीक है तो ऐसा होता है जवाब आ रहे हैं बंसल जी का जवाब आ रहा है जल्दी से सुमन सौरभ सिमरन अभिषेक चलिए एकदम मस्त जवाब दीजिए बोला भ्रांति पैदा किया मैं वो क्वेश्चन अगर लाऊंगा ना रिलेटिव स्पीड का अगर रहा होगा अपने पास तो देखते हैं तो उसमें अच्छे समझाऊंगा मैं आपको इसमें तो है ही नहीं वो बात क्वेश्चन को एकदम मतलब एकदम मतलब ऐसा लगा ये आपका पी वाई क्यू है ना क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही समझ गएगा टू पॉइंट ओ टू पॉइंट जीरो ओ, टेन पॉइंट जीरो ट्वेल्व पॉइंट जीरो भाई आजकल यही चल रहा है ना यही चल रहा है हर जगह टू पॉइंट ओ गेट अकेडमी टू पॉइंट ओ यही आंसर है तो टू पॉइंट जीरो है हो गया ना टाइम और चलिए देखेंगे देखो दो ट्रेन है ऐसा पेन को ना ऐसा रख देंगे ना तो भी आप समझ जाओगे देखो दो ट्रेन है और दोनों के बारे में ये कहा गया कि वो टेलीग्राफ पोस्ट को है ना कितने कितने सेकंड में क्रॉस होती है ये फर्स्ट वाले का टाइम है ठीक है और इसके साथ ये फर्स्ट वाले का लेंथ है और आप लोगों को ये बात पता है और बिल्कुल पता है कि टेलीग्राफ पोस्ट को अगर पार करना है तो खुद के लेंथ को पार करना है तो पहले वाले का स्पीड क्या आ जाएगा मैं सॉल्व करके भी बता दूंगा 12 मीटर पर सेकेंड ठीक है ठीक है अंश और इसके बाद दूसरे वाले का देखो लेंथ ये टू लिख दिया और ये टाइम ठीक है दूसरे वाले का स्पीड क्या आ गया 150 फिफ्टी बाई फिफ्टी टेन मीटर पर सेकेंड और डिफरेंस कितना आ गया टू मीटर पर सेकेंड ठीक है क्लियर है ना क्लियर है लड्डू था बिल्कुल बिल्कुल होमवर्क वाला रिलेटिव का था अच्छा जो होमवर्क वाला क्वेश्चन मिला ना पूरा ट्राई मारना आ, ऐसा वो जो क्वेश्चन है ना मैं देखना चाहता हूँ पूरा ट्राई करना और वो जो क्वेश्चन था जिस कंसर्प में ना उसको उसका मैं सेशन लाऊंगा जबरदस्त है ना फॉग वाला क्वेश्चन का ना इसीलिए मैं दिया हूं कि आप लोग एक बार सोचो है <coughs> ना आप लोग सोचो उस पर मैं लाऊंगा जब क्वेश्चन जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन मतलब ऐसा इंटरेस्ट पैदा होगा ना कि क्या बोलूंगा अब देखना ना ऐसा तो नहीं डिस्टेंस सर पढ़ा दिए तो अगले साल पढ़ाएंगे लाएंगे ना फिर लाएंगे फिर लाते रहेंगे नए नए क्वेश्चन नए नए कंसेप्ट अभी देखो इसको ये तो देख लिया आप लोग ऐसा देखना तो ऐसा देख लो ये फर्स्ट ट्रेन है ना फर्स्ट ट्रेन के बारे में डिस्टेंस कितना 120 ट्वेंटी बाई वन मीटर और टाइम 10 सेकेंड ठीक है अगर मान लीजिए कि आप लोग कैच नहीं कर पाओगे वैसे आप जो डियर इंजीनियर्स हैं तो आप लोग तो कैच कर ही लिए होंगे ठीक है तो यहां पे देख लो 12 मीटर पर सेकेंड और ये 10 मीटर पर सेकेंड डिफरेंस कितना है 2 मीटर पर सेकेंड क्लियर है सौरभ ने आंसर सौरभ कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए और टेलीग्राम में सॉल्यूशन चाहिए देखेंगे तब नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर का सेशन स्टार्ट होने वाला होगा तो बताइएगा चलिए बहुत सही सवाल आ चुका है टाइमर लग चुका है टाइमर लगा है आप सवाल को सॉल्व करें अपना मेथड आप लगाएं और इसके बाद जिनसे नहीं हो पा रहा वो इंतजार करें और इसके बाद जो आंसर निकाल पाए वो ये देखें कि उनका अप्रोच क्या बेटर था या, या सर जो बता रहे हैं वो कुछ नया है Time को वहां क्या बचाया जा सकता है सर के मेथड से चलिए ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग सभी ध्यान से पढ़िए एक ट्रेन का लेंथ दिया है प्लेटफॉर्म के बारे में बातें हो रही है आ, ओके विशाल रेगुलर रहेंगे अपन सब समझते जाएंगे प्लेटफॉर्म का लेंथ भी बता दिया गया टाइसन ने बता दिया जवाब टाइसन अभिषेक जवाब दो विकास का जवाब भी आ गया है विकास के बाद सौदामिनी का जवाब भी आ गया है बोट एंड स्ट्रीम का जो टॉपिक है ना वो अपन लाएंगे दस ग्यारह तारीख के बाद ठीक है और जो अब मेरा सेशन जो होगा वो ट्यूसडे को होगा तीन बजे कुछ नया टॉपिक रहेगा संदीप का जवाब प्रणली का जवाब सबका जवाब आ चुका है और टाइम जो हो चुका है वो ओवर भी हो चुका है ठीक है ऑल राइट चलिए अभी मैं कैसे सॉल्व करूंगा आप लोग सभी सॉल्व किए सभी आंसर निकाले वेरी गुड वेरी गुड रियली है ना आप लोग मतलब बिना मेरे बताए आंसर दे रहे हो और जो लिमिटेड टाइम मैं आपको दे रहा हूँ उसमें दे रहे हो वेरी गुड अभी मैं जो आप आंसर दिए हो उसके बारे में बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि क्या अप्रोच होना चाहिए आंसर तो नहीं पता पीछे कोई आंसर नहीं है कोई ऑप्शन नहीं है देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कंडीशन क्या है कि एक ट्रेन जा रहा है पहले कंडीशन देख लेते हैं यहां पे ये रहा ट्रेन ठीक है सबसे पहले जो बात हो रही है ट्रेन जाते हुए प्लेटफॉर्म को क्रॉस हो रही है ये बात हो रही है और प्लेटफॉर्म को क्रॉस होने का टाइमिंग क्या दे रहा है सिक्सटी सेकेंड सिक्सटी सेकंड में ठीक है प्लेटफॉर्म को क्रॉस हो रही है सिक्सटी सेकेंड में और मैंने आपको अभी अभी बताया कि प्लेटफॉर्म के लेंथ और ट्रेन के लेंथ को क्रॉस होगा और सेकेंड सिचुएशन ये बता दिया कि गया कि इस प्लेटफॉर्म में इस प्लेटफॉर्म में इस एक बालक है एक लड़का है ठीक है और उस उस लड़के को क्रॉस होने में ट्रेन यहां देखो उस लड़के को क्रॉस होने में ट्रेन जो है क्या समय ले रहा है क्रॉस होते ना, ऐसे क्रॉस करते क्रॉस करते समय ट्रेन का समय लग रहा है ट्वेंटी सेकंड्स, ठीक है अब वापस आ जाओ क्वेश्चन पे क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा था अ मैन स्टैंडिंग मूविंग नहीं स्टैंडिंग मूविंग में रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आता है ध्यान से मैं बोल चुका हूं कि कहीं भी खड़ा रहे है ना कोई मतलब नहीं क्वेश्चन देखो वर्बली पे आ रहे अपन ऐसा पेन रखा हुआ है ध्यान से सुनते जाना ठीक है ट्वेंटी सेकेंड में मैन को क्रॉस हुआ ट्रेन मैन को क्रॉस हुआ, हुआ ट्रेन का लेंथ कितना बताया टू एटी मीटर ट्वेंटी सेकेंड में क्रॉस हुआ ध्यान सुन लो ना ट्वेंटी सेकेंड में टू हंड्रेड मीटर फोर्टीन मीटर पर सेकेंड आ गया और वो फोर्टीन मीटर पर सेकेंड क्या है ट्रेन का स्पीड है ठीक है फोर्टीन मीटर पर सेकेंड ट्रेन का स्पीड है ठीक है जो पहला स्टेटमेंट है उसको ब्रेक करने वाला है फोर्टीन मीटर पर सेकेंड और जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है वो सिक्सटी सेकेंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना मतलब कि भाई प्लेटफॉर्म के साथ ट्रेन अपने लेंथ को भी क्रॉस कर रहा है कितने में सिक्सटी सेकेंड में फोर्टीन मीटर पर सेकेंड था क्रॉस कर रहा सिक्सटी सेकेंड में भाई वन सेकेंड में फोटीन मीटर सिक्सटी सेकेंड में फोर्टीन इन टू सिक्सटी एट फोर्टी मीटर 840 मीटर ट्रैवल किया होगा ना भाई 60 सेकंड में अपने स्पीड से तो 840 मीटर ट्रैवल किया होगा तो ट्रेन का लेंथ उसमें 280 है 280 है है ना 840 कर लिया 280 ट्रेन का लेंथ किया तो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना रहा होगा 560 मीटर रहा होगा तो 560 मीटर आंसर हो जाएगा क्लियर है जल्दी से बता दीजिए क्लियर है है ना अभी क्लियर है तो यहाँ पे ऐसे करके भी समझ सकते हो देखो पहला कंडीशन स्टैंडिंग मैन वाला अगर आप एकदम मतलब शॉर्ट वाला नहीं समझ पाए तो स्टैंडिंग मैन वाला ये प्रूफ कर दिया देखो कि टी एल बाई और टाइम था टी एल मेरा ट्रेन का लेंथ यानी कि डिस्टेंस हो गया और ये टाइम से क्या आ गया स्पीड आ गया स्पीड आ गया डिस्टेंस कितना है 280 और टाइम कितना है 20 सेकेंड 14 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ चुका है ट्रेन का अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं सेकंड कंडीशन ये कहता है कि भाई क्रॉस कर रहा है किसको प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है यानी कि TL प्लस पी एल को क्रॉस कर रहा है और TL प्लस पी एल को क्रॉस कर रहा है सिक्सटी सेकंड में ठीक है और जैसा कि बेसिक तरीका होता है उसमें ही बता दिया मैं फोर्टीन मीटर पर सेकेंड तो TL प्लस पी एल कितना आ गया 840. लेकिन मैं नहीं चाहता हूं यार ये सब आप यूज करो मेरे पे रहो ना जैसा आप लोगों को सिखा रहा है, उसको, उसको मतलब कि ऐसे, क्या कहते है? आत्मसार कर लो 840 मीटर आ गया और 840 मीटर में आपको पता है कि 280 मीटर ट्रेन का लेंथ तो आप लोगों को क्लियर था जो मैं बताया था जिस तरीके से बताया था क्लियर था क्या आप लोगों को ओके okay. है ना मतलब क्या लिखना यार थिंक विदाउट इंक है ना एक बार एक बार सभी अपने चैट बॉक्स में लिख देंगे थिंक विदाउट इंक एप्टीट्यूड के लिए ना फॉर एप्टीट्यूड थिंक विदाउट इंक एक बार लिख देंगे सभी एक बार सभी लिख देंगे थिंक विदाउट इंक बिल्कुल विजुअलाइज करके जल्दी से है ना सभी थिंक विदाउट इंक सभी एप्टीट्यूड हम पढ़ेंगे वो भी थिंक विदाउट इंक से जल्दी से बिल्कुल है ना मतलब विजुअलाइज करना है? मैं बोला ना रियलाइज़ से जो भाई ट्रेन है ट्रेन में हम बैठते हैं ट्रेन पे क्वेश्चन है आया तो क्या है क्या है टाइम एंड वर्क क्या है है ना पार्टनरशिप पे क्वेश्चन क्या रहेगा क्वाइन पे क्वेश्चन नोट्स पे क्वेश्चन कैसा रहेगा ज्योमेट्री क्या है घर पे पूरा थ्री डी है ना घर पे थ्री है क्या दिक्कत है कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा संजय जी जुड़े रहिए बस जुड़े रहिए गेट अकेडमी टू पॉइंट इतना कुछ ला रहा है आप लोगों के लिए कि जुड़े रहिए बस एकदम टाइम दीजिए ठीक है और अभी से कीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है चलिए आंसर भी आ गया चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बढ़िया से नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों के लिए सेशन के लिए कुछ आएगा तो बताइए देखते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है एकदम दमदार सा क्वेश्चन है भाई दो मिनट है टाइमर चाहिए दमदार क्वेश्चन है एकदम और इस दमदार क्वेश्चन को एकदम तोड़ के रख देना है तोड़ के रखेंगे इसको आप लोग पढ़ो अपना अप्रोच लगाओ आप लोग पी वाई क्यू है ना रिलेटिव स्पीड भी है इसमें जल्दी से आप लोग ट्राई करो अपना बेस्ट दो अपना है ना ऑप्शंस आंसर आ रहे हैं सी सौरभ डी ओके बेस्ट दो अपना चलो एकदम बेस्ट दे रहा है इस क्वेश्चन को देखेंगे इसका आंसर टाइम ओवर होगा तो बताइएगा टाइम है ट्राई कीजिए आप लोग चलिए अभी देखते हैं देखो कैसा एकदम मतलब तूफानी सवाल है तूफानी सवाल मेरे पीछे है है ना उस तूफानी सवाल को है ना मतलब मतलब इतना तूफान देख रहे हो ऐसा स्टेटमेंट ट्रेन का स्पीड नहीं पता प्लेटफॉर्म का स्पीड नहीं पता और वो पूछा जा रहा है ठीक है कैसे इसको ब्रेक करेंगे ऐसे करेंगे देखो कैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर हम पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है हमें ये बात पता चलती है कि ट्रेन जो है सबसे पहले यह बताया गया कि उसका स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है ये बात पता चली ट्रेन का स्पीड पता चल गया कि 54 किलोमीटर पर आवर है मेरे दिमाग में 54 किलोमीटर पर आवर तुरंत बता देता है कि 15 मीटर पर सेकंड होता है कैसे बताता है मुझे पता है कि 5 मीटर पर सेकंड 18 किलोमीटर पर आवर 54 किलोमीटर पर आवर 15 मीटर पर सेकंड कहानी खत्म 15 मीटर पर सेकंड पे मेरा दिमाग रुका है अगर मैं मीटर पर सेकंड पे जाऊं तो आगे की कहानी मीटर पर सेकंड में इसीलिए मैं आंसर मुझे पता है कि मीटर पर सेकंड में ही है ना चाहिए हमें अभी आगे सुनते जाओ बस ठीक है अभी मुझे पता है ट्रेन का स्पीड 15 मीटर पर सेकंड ध्यान से स्टेटमेंट कहा कि ट्रेन जो क्रॉस हो रहा है वो ट्वेंटी सेकंड में यहां से देखो ट्वेंटी सेकंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस हो रहा है ठीक है फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन ट्वेंटी मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो कर दूँ कर दिया मैं तुरंत कैसे किया देखो ट्वेंटी फाइव इंटू फिफ्टी ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू फिफ्टी ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू फिफ्टी ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव वन ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी वन ट्वेंटी फाइव थ्री सेवेंटी फाइव मुझे पता चल गया प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया प्लेटफॉर्म का लेंथ और ट्रेन का लेंथ थ्री सेवेंटी फाइव है एकदम बेसिक बात हो गया थ्री सेवेंटी फाइव दोनों का लेंथ मैं नीचे के स्टेटमेंट में आया पता चला रिलेटिव स्पीड दे दिया और मुझे ये बात पता है कि रिलेटिव स्पीड में अगर सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड माइनस होता है ट्रेन का स्पीड 54 मुझे मालूम है दिया है नाइन मैन का है जो कि सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है मैं माइनस किया 54 से नाइन 45 किलोमीटर पर आवर रहा है 45 किलोमीटर पर आवर अभी मैं सोचा कि यार ये एटीन के टेबल में तो है ही नहीं फोर्टी क्या करूं मैं फिर मैं ध्यान से देखा एटीन टू जा ठीक है और यह नाइन बच रहा है एटीन का हाफ होता है तो टू पॉइंट फाइव करूंगा यहाँ पे एटीन इंटू टू पॉइंट फाइव करूंगा तो फोर्टी फाइव मिलेगा तो फाइव के साथ भी टू पॉइंट फाइव को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ट्वेल्व पॉइंट फाइव मिल गया ट्वेल्व पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड मिल गया है रिलेटिव स्पीड उस मैन को यहाँ पे देखो उस मैन को क्रॉस करने का रिलेटिव स्पीड मुझे मिल गया ट्वेल्व पॉइंट फाइव एकदम ध्यान से सुना ट्वेल्व पॉइंट फाइव मिल गया और ट्वेल्व पॉइंट फाइव मिल गया और मुझे पता है मैन को क्रॉस करना मतलब तो ट्रेन तो के लेंथ को ही क्रॉस करना मैन का अपना लेंथ नहीं है ट्वेल्व पॉइंट फाइव मीटर पर सेकंड से क्रॉस कर रहा है रिलेटिव स्पीड है फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड क्यों नहीं हुआ क्योंकि वहाँ रिलेटिव स्पीड नहीं था रिलेटिव स्पीड ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड अब ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड है और मैन को क्रॉस कर रहा है फोर्टीन सेकेंड में मैं तुरंत ट्वेल्व पॉइंट किया 12.5 पॉइंट फाइव इंटू फोर्टीन देखो कितना आसानी से कर लिया 12.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन किया वन आया 10 किया तो 125 आया तो 4 बचा है ना तो 12.5 पॉइंट फाइव इंटू किया 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 तो 25, 4 किया तो 4 किया तो 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 ठीक है तो भाई तो और और आ आ आ गया 175 आ गया ट्रेन का गया क्या का एक ही ऑप्शन है यहाँ पे जहां सेवेंटी फाइव दिया हुआ है ठीक है मैं एन एटी के लिए देख रहा हूँ मीटर ट्रेन का लेंथ आ गया पहले ही मैं निकाल लिया था कि क्रॉस करते में 375 आया कितना आएगा भाई 25 ये वाला 84 uh, 54 जो है वो कितना आ गया था 15 आ गया था 15 और 25 किए थे तो कितना आ गया 375 आ गया था तो मैं तो माइनस करके निकाल दिया 175 200 क्लियर है क्या जल्दी से बताइए क्लियर है क्लियर है क्या जल्दी से बताइए क्लियर है कैसे किए हम लोग थिंक विदाउट इंक Pen तो हम उठाएंगे ही नहीं एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए साथ बने रहिए कितना मुश्किल सवाल था ना ऐसे कर दिया हम लोग ठीक है एकदम डिटेल में भी बताऊंगा मैं डिटेल में बताऊंगा समझ आया आप लोगों को समझ आया डिटेल में देख लो आप डिटेल में देखेंगे आप पहला सिचुएशन फर्स्ट कंडीशन देते फर्स्ट कंडीशन ये बता रहा है कि टीएल प्लस पीएल को क्रॉस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है ना टीएल मतलब ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म करने में टाइम लग रहा है कितना 25 ट्वेंटी फाइव सेकंड ट्रेन का स्पीड ये बता रहा है कि ट्रेन का जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है आ ना और इसको मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करू तो ये हो जाता है ये तो बताया ना पांच अठारह है ना ऐसा पांच मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू अठारह किलोमीटर पर आवर ठीक है इंटू थ्री इंटू थ्री तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड तो यहाँ पे मैं 15 मीटर पर सेकंड सेकेंड निकाल लिया और यहाँ से मुझे ये बात पता चल गई कि ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है 15 इंटू ट्वेंटी किया तो इसी समय में यानी फिफ्टीन कितना 25 फाइव सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो मल्टीप्लाई करके 375 मीटर है अब मैं सेकेंड कंडीशन पे आता हूँ सेकंड कंडीशन पे मैं आता हूँ सेकंड कंडीशन में मुझे पता है कि रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है ठीक है सेकंड कंडीशन में रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है और रिलेटिव स्पीड में मुझे पता है कि सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होता है ठीक है देखो सेम डायरेक्शन में दो अलग अलग स्पीड दिए हैं तो एस वन माइनस एस टू क्या हो जाता है रिलेटिव स्पीड बन जाता है ठीक है और हमेशा दो अलग अलग स्पीड में रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड से ही क्रॉस होता है आगे देखो आप लोग अभी यहां तक तो आप समझ गए फिर आगे देखो जब मुझे पता है कि एक स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है तो मैं जान गया कि रिलेटिव स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है ठीक है स्पीड मिल गया मुझे रिलेटिव स्पीड अब मुझे यह कहा गया यह कहा गया कि 14 सेकंड में क्रॉस कर रहा है 14 सेकंड में क्रॉस कर रहा है फिर से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना था आप चाहे तो फोर्टी फाइव इंटू कर सकते हैं लेकिन मैं वर्वली बताया कैसे ये आया 12.5 मीटर पर सेकेंड तो 12.5 पॉइंट मीटर पर सेकेंड ठीक है 12.5 मीटर पर सेकंड आ गया और 12.5 मीटर पर सेकेंड आ गया है तो तो 14 सेकेंड्स में जो क्रॉस होगा यानी कि 14 सेकेंड्स में 14 से क्रॉसिंग डिस्टेंस इन 14 सेकेंड या फिर डिस्टेंस ट्रैवल इन 14 सेकेंड भी लिख दें हम मामला कोई गड़बड़ नहीं है डिस्टेंस ट्रावेल इन फोर्टीन सेकेंड्स ठीक है तो क्या होगा फोर्टीन इंटू ट्वॉइट फाइव होगा करोगे आगे सॉल्व तो क्या मिलेगा देखो ध्यान से देखो देखो ट्वेल्व पॉइंट फाइव इंटू टेन करो वन ट्वेंटी फाइव आया ठीक है और ट्वेल्व पॉइंट फाइव आया ट्वेल्व पॉइंट फाइव इंटू फोर करो आप करके देखना वन सेवेंटी फाइव आएगा अगर यहाँ वन फाइव मिल गया ट्रेन हमेशा मैन को जब क्रॉस करती है तो अपने लेंथ को क्रॉस करती है तो ये टी एल है ये टी एल आ गया अगर ये टीएल आ गया यहां पे 175 मीटर तो पीएल कितना होगा 200 मीटर होगा तो आंसर आ गया क्या चलिए ठीक है ठीक है ठीक है तो आंसर आ गया सभी का समझ भी आ गया, आ गया आप लोगों को तो इसी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे मंगलवार को ट्यूसडे को मिलेंगे आप लोग सभी रहिएगा बहुत अच्छे कंसेप्ट और अच्छे टॉपिक के साथ एकदम क्लियर करेंगे तो फिर चलते हैं